Krishna, Krishna, Krishna.
शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावने। हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सहेजा खुशी से कृपा दिए। भगवान हमें विशेष शक्ति दे इस अति अद्भुत और कौतिकता से पूर्ण संसार में रहते हुए हम अपना मन पूर्णपेण हजूर में लगाते रहे संसार में नहीं, तभी हमारी बात करेगी, वरना पढ़ लिया सुन लिया मौके पर मतभेद हो जाएगा अगर हमने अपना मन महाराज जी में न लगाया तो। जब मन बहादुर में लग जाता है तो मन शक्तिशाली हो जाता है, फिर संसार की दुर्घटनाएं संसार की विचित्रताएं फिर हमारे मन को गिराती नहीं है, क्योंकि हमने अपने मन को पहले ही मजबूत बना लिया होता है और इतना संसार में लगाया हुआ नहीं होता। मरता वारे जामिना व्यथयन्ति एते पुरुषम पुष्य ऋषभ सर्व दुख सुखम धीरं सा अवित्वाय कल्पते। हरि ओम तत् हरि ओम तत् हरि ओम। अब इसी में महाराज कह रही है सुख दुख हरिया मर पान जलमरण संयोग योग इत्यादि ये नाना प्रकार के द्वंद्वों के रहते हुए या द्वंद्वों को सह करके क्या फल मिलता है जीव को। महाराज कह रही है वो इंसान असर जिसपे इनकार देंगे खुशी से जो कुछ से अजीब सोना कायम दिलता बदाम उसी की अशाया हरिया के जवाब वो मुक्ति प्राप्त कर देता है। कितनी अच्छी बात मेरे बावजूद करेंगे ऐसे जीव जो द्वंद्वों के सहते हुए नाना प्रकार के द्वंद है इनके सहते हुए ध्यान देना मेरी बताओ जीव द्वंद्वों के सहते हुए द्वंद आएंगे चाहे भगवान के प्यारे चाहे जहान का प्यारा है दो प्रकार के व्यक्ति जहान का प्यारा भगवान का प्यारा जहान के प्यारों को भी द्वंद सहने पड़ते हैं रोप की सहती है दुखियों की सहती है अनेक घर वालों को दुख दे की सहती है। भगवान का प्यारा सबर और किनारे से काम लेता है संतोष से काम लेता है सहनशीलता से काम लेती है बर्दाश्त कर लेती है कोई नहीं मेरी मालिक शुक्र है जो आप कर रहे हैं ठीक है। तो अब रजकर ये द्वंद आए और बर्दाश्त कर ले और मन पर उनका असर न होने दे ध्यान से सुनना ऐसी जीव मुक्ति के काबिल हो जाती है उसी की ऐशाया हयाती दवा अर्थात वो मुक्त हो जाती है। वो मुक्त का मतलब बच्चे आवागमन के चक्कर में नहीं आते वो फिर बार बार जन्म मरण के फाय में नहीं आते अर्थात वो बार बार किसी गर्भ में नहीं गिरते। थोड़ा सा आप विचार करें ये तो भगवान ने पाठ दिया कि जिन पे द्वंद्वों का असर नहीं होता वो मुक्त हो जाती है। सुनिए मेरे बच्चे पाठ इतना ही है जिनके द्वंद्वों का असर नहीं होता क्योंकि संसार नाम द्वंद्वों का है नाना प्रकार को दंड जगह बाद आएंगे हमारे न चाहने पर भी आएंगे नहीं चाहते आप सर्दी फिर भी आएगी नहीं चाहते आप गर्मी फिर भी आएगी नहीं चाहते कि और गड़बड़ फिर ये तो आएंगे ये तो होगा ये तो चक्कर चलेगा। अब आए हमारे पर असर न होने पाए हमारे पे इनका प्रभाव न होने पाए बेड़ा पार हुआ जीव निकला यहां से अब लीजिए आवागमन का चक्कर क्यों होता है इस पर हम थोड़ा सा विचार करें। जिस हिंदू धर्म से हम प्यार करते हुए और हिंदू धर्म की जान प्राण श्री गीता जी का जो मुद्दत से हम शर्म कर रहे हैं हम लोग आज इस पर थोड़ा सा और सोचेंगे। बताता है हमें ये राज की बातें हमारे ऋषियों महर्षियों देव ऋषियों और राज ऋषियों ने अनुभव के आधार पर बताई हम लोग को समझाई। सुनो मेरे बुजुर्गो भाई बताओ बच्चियों इंसान का जन्म इंसान की अपनी इच्छाओं के कारण से होता जरा बड़े एकांतता पूर्वक अपनी अधूरी इच्छा के कारण से हम लोग जन्म लेने के लिए मजबूर हो जाती है अपनी अधूरी इच्छा नाना प्रकार की इच्छाओं आप देख भी रहे जी मारा मारा फिर रहा है किसी न किसी इच्छा को अपने मन में रखकर किसी न किसी वासना कामना को मन में रखकर दिन को ये जी फिरती है रात को चोर चक्के डाकू राजन गंदे विलासी चक्र काटते फिरती है वो भी वासना कामना इच्छाओं को लेकर न उनको रात को चैन है दिन को वो सोती है रात को डाके मारती है वगैरह गंदगी को लेकर घूमा करते हैं दिन के अंदर भी प्राणी पदार्थ को देख लो जो भागे भागे फिर रहे हैं कोई कामना कोई वास्तव में भगाए चुकी जैसे हल्का कुत्ता किसी के पीछे पड़ जाए और वो दौड़ता है अपने आप को बचाने के लिए
इसी प्रकार इंसान के अंदर ऐसी वास्तव कामना है, आज यहाँ जाना है, कल वहां जाना है, आज गेट जाना है, आज इधर जाना है, उधर जाना है, आज ये लेना है, वो देना है, उसको नको चढ़े चबाने के, आज उसको नीचा दिखाना है, उसको मुकदमा करना है, हर एक जीव को देखो बसों में जगह नहीं, बार बार जीव फिर रही है, वास्तव कामना है, गाड़ी में जगह नहीं, बार बार आधी रात हो, सर्दी हो, शीत लहर चले, उनकी बरात हो, उनके अंदर एक ही लहर चल रही है, जी मेरी कामना पूरी हो, जी मैं ये करना है, हमने वो करना है, हमने ये बनाना, इसी बात को लेकर के चक्कर गर्दश गर्दश मिलते हैं। तो इंसान अपनी काम को पूरा करता है, गिरी चोटी का जोर मारकर, रुपए कमाता है, रुपए एक साधन है, उस रुपए से नाना प्रकार की वास्तु की पूर्ति करता नहीं करती देती, गिरी चोटी का जोर मार के कमाने के बाद भी और पूरी इच्छाएं होने के बाद नहीं होती, ये बात कोई कोई जानेगा, कोई गिरला जानेगा, मेरे सुन लो मेरी बात होती हो, कामना पूरी करता है, कामना पूरी होती कहां है, कामना फिर बढ़ जाती है, कामना का काम स्वभाव यह है पूरी होने के बाद नई शक्ल अख्तियार करके प्रकट हो गया, अगर करना कोई भी कामना आपने पूरी की, संसार से बदली पूरी तो हो गई, चंद दिनों के बाद उसे शक्ल बदली, फिर सामने आ गई, जैसे बदल किया हमारे नगर में 10-12 दिन रहता है, यह गवर्नमेंट उसे 10-12 दिन पुलिस वाले ठहरने की आज्ञा देती है, तो नाम का किसी ने बदलता है वही कालूराम, नाम से कालूराम ने रूप किया, कालूराम है वही, शक्ल कैसे बदलता है वही, कभी बंदर की शक्ल में, कभी लकड़ की शक्ल में, कभी इंसान की शक्ल में, कभी औरत की शक्ल में, कभी नीच फालू बन के आ जाता है, कभी गौर शक्ल बनाता है, ममता बन जाता है, कभी कूड़ी बन के आता है, और कभी कभी जो आपको बादशाह बन के नजर आएगा, हाँ उसके पीछे दो चार होंगे वजीर इत्यादि बने हुए, और कमाल क्या कभी पुलिस बन के पुलिस वाला बन के आ जाएगा, बिल्कुल जैसे थानेदार होता है, सब वर्दी वृद्धि डंडा सब उसका, जब आपको बेवकूफ बना लेगा, बच्चा लिखा है मैं रुपया डरा लेगा, कप्पा लेगा, आपको कुछ न किसी बात में फंसा लेगा, महाराज मैं रुपया दिखा कर तरंदा दौड़ेंगे, मैं इस प्रकार वासनाएं नाना प्रकार के रूप बदलती है, नाना प्रकार की कामना बदल जाती है, नाना प्रकार की, और जीव उसी के पीछे धक्के खाता रहता। मैं कितनी बात आपसे कहना चाहता हूं, चूंकि आप धार्मिक है और मेरे प्रभु की वाणी से बहुत प्यार करने वाले हैं, इतनी सी बात कहूंगा, कामनाओं से आज तक किसी की तृप्ति नहीं हुई, चूंकि ये पूरी नहीं होती, आज तक किसी की तृप्ति ना हुई ना हो सकेगी, अगर कामनाएं आपस में बढ़ती ना, सारे जीव तृप्त हो जाते, सारी मेरी बच्चियां तृप्त हो जाती, यानी सेटिस्फाइड हो जाती, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, चूंकि ये अपने आप में बढ़ जाती है। उसी तरह इसका दृष्टांत देते हुए हमारे विवेकानंद जी ने हमारी मदद की, उन्होंने कहा जैसे कोई तराजू लेकर इनको नहीं तोड़ सकता, मेंढकों को लाख पड़ा कोशिश करे कि मैंने तोड़ लूंगा, पाइये तोड़ लूंगा, ये शेर तोड़ लूंगा, नहीं तोड़ सकता, क्यों तोड़ सकता, बड़ी आसान है, मटके में भर ली जाए मेंढक और तराजू श्रीमती के हाथ में या बेटे के हाथ में ले दी जाए, घर करके दे दे, तराजू हाथ में ले लो, हाँ डिमोन्स्ट्रेशन दी थी विवेकानंद ने अमेरिका के, अमेरिका में लेक्चर देते हुए, एक अंग्रेज ने ले लिया तराजू हाथ में, श्रीमती जी ने वो मटका पकड़ा और लुढ़काए प्रलय के अंदर, और श्रीमान जी ने कहा अब जरा उठाया, जब यूं उठाया तो वो खुदकती, आधा घंटा कष्ट कष्ट करके कराए, टाइम नेवर पॉसिबल, निकालते जंप लाई करी थी, जो जंप लाई करी थी, डंप फूल है, क्यों डंप फूल है, तोलते रहेंगे क्यों, वो जंप कर जाती पड़े में तो डाल दे जंप, इस तरह कामनाओं को डाल के पूरा करते हैं, करते जंप लाई करी थी, प्लीज थिंक ओवर इट, सोचो मिली थी, जैसे कोई तराजू में रख के आज तक मेंढक नहीं तोड़ सका, चूंकि वो फुदक जाती है, या तो फुदके नहीं तब तो उन्हें तोड़ ले, वो फुदकती है बाहर निकलती है तो तोले कैसे, इसी तरह कामना पूरी करने की एड़ी चोटी का जोर मारती है, कब वक्त कहीं की फुदक पड़ती है, ये पूरा हो गया, ये हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी बन जाए, ये फुदकना, इंसान इन्हीं कामनाओं के पीछे आकर नर नारी बड़े विचित्र है, हम तो इस संसार को बड़े विचित्रता में देख करके जा रहे हैं, और परमात्मा से भी कह रहे हैं कि दुनिया भगवान की हमें एक ठेला पसंद आए, जरा भर ही पसंद आए, बुरा न मनाना, मनाने तो मर्जी आपकी, हम तो स्पष्ट बात कहते हैं भगवान की दुनिया हमें पसंद है, बिल्कुल दिन काट रहे हैं आपके लिए, प्रचार है, अगर मेरे हाथ में प्रचार ना होता, ये साधु के शरीर को यूं छोड़ता जैसे कोई कमीज को पटक के मारता था,
न तो शरीर अच्छा है मलबूत से भरा पड़ा और न ये दुनिया अच्छी है विकारों से बड़ी बड़ी विकार चोरी यारी हवा कीना कतरे कतर कटरपना लड़ाइया झगड़े बम इत्यादि दुनिया अभी चंद के बाद देख लेंगे जैसे ओले गिरती है इससे बम गिरा करेंगे ये भगवान की दुनिया बड़ी अजीब कोई गरीब है तो रज के गरीब है कोई अमीर है तो बोझ अमीर है ऐसी इतनी विषमता इस संसार के अंदर जहालत है तो रज की जहालत है छोटी छोटी बात जीव को पता नहीं जिस दुनिया के रहने वाले इंसान को उचित अनुचित का पता ना हो मेरे जैसों के मन बड़ा बगावत करता है कि उस दुनिया में रहने का मतलब ही कुछ नहीं इंसान होता उसे पता नहीं कि व्हाट इज प्रॉपर एंड व्हाट इज इम्प्रॉपर इस चोने में आके जब मेरी बेटी ग्रेजुएट है एमई है टीचरेस है हेडमिस्ट्रेस है और मार कैसे क्या बनी फिरती है डॉक्टर है और पत्नी आप क्या है श्रीमती है इतने बच्चों की मां है और माफ करना आपने साधु को क्या ये नहीं पता उचित क्या है अनुचित क्या है कैसे मैंने निश्चय करना है कैसे मैंने विचार करनी है कैसे मैंने बच्चों को पालना है बच्चों को क्या क्या विचार देने हैं क्या क्या करना है डक्का नहीं पता जरा भर नहीं पता अगर आप बनेंगे समरेंगे मेकअप करेंगे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा है मेरी नारी को पता अगर आप सिनेमा हॉल में मान को लेके जाएंगे बच्चों को सजा के उनको पता है मम्मी और डैडी दोनों गए हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों का आप अगर टीवी के सामने बैठ करके हाव भाव देखेंगे जैसे कि जवानों को भावते हुए देखने और आप भी देखेंगे और नाचेंगे और गुदगुदाएंगे एक दूसरे के साथ तो फिर क्या बनेगा बच्चों पर प्रभाव क्या पड़ेगा कभी किसी ने सोचा कि बच्चों को हम तबाह करते जा रहे हैं कल बच्चे लोफर बनेंगे जगह जगह अपनी अंग और अपने अंग मटकाएंगे क्या प्रभाव पड़ेगा आप पर साथ लेकर के आप अपनी सगी बहनों को जवान बहनों को सिनेमा हॉल में चले जाते हैं या बेटी बैठी है या बहन बैठी है या आप बैठी है श्रीमती बैठी है या आपका बड़ा लड़का बैठा है सारा परिवार बैठा हुआ और आगे देख क्या रहे हो गंदी पोशाक गंदा नाचो गाना गंदे शब्द अश्लील इंडिसेंट वर्ड्स इंडिसेंट छेड़छाड़ जवान के साथ जैसे वो सिनेमा हॉल में कर रहे और सारे देख लेंगे इसका रिएक्शन जनाब सारों को लेगी क्योंकि मेरी शादी हुई है इसलिए मैंने सिनेमा हॉल में जाना आज के कमबख्त इंसान को जरा नहीं पता कि मेरी इन हरकतों से मेरे बातों पर कितना गंदा प्रभाव पड़ रहा जरा भर नहीं पता और खुद खड़े होकर देखेंगे कैसी बस आपको जो बाहर तस्वीरें लटक रही है अंदर सिनेमा में कोई कोई सीन है देखो 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 कैसी कैसी अट्रेक्टिव है और कैसी बहुदा है कितनी गंदी ड्रेस है और कैसे वो श्रीमान श्रीमती को लेके कैसे बैठा हुआ ये आप सारे देखती है बच्चों को भी दिखाती है इसका प्रभाव मैं कह रहा था कुछ नहीं पता आज के इंसान को उचित अनुचित क्या है वाजिब गैर वाजिब क्या है डक्का नहीं पता मेरे बच्चों को बड़ी अजीब दुनिया पुत्र बड़ी अजीब दुनिया अब वो वासनाओं की पूर्ति के लिए निकलता है अपने नाम के साथ कैसी शान से लगाते हैं क्या बीएससी ऑनर्स एमएससी ऑनर्स एमएससी डबल एमएससी डबल एमए डबल ये ट्रिपल आगे लिखते हैं ब्रैकेट ला करके इसमें मैं एमए हूं नाम इतनी शान के साथ और जनाब को देखा जाए हाय जो बातों में देखो तो लुकमान है अमल में जो देखो तो ना बड़ी विचित्र दुनिया भगवान की बड़ी अजीब दुनिया है तो मेरे बच्चे इंसान आज पूर्ति में लगा हुआ है कामनों की पूर्ति में दिन रात लगा हुआ दिन रात जुट रहा है इतनी मेरी कामनाएं पूरी होंगी इतनी भी मेरी और कामनाएं हैं अब और कामनाएं की पूर्ति के लिए धन चाहिए अब धन को कमाने के लिए फिर पुरुषार्थ फिर दिन रात गलना पड़ेगा फिर दिन रात भाई साहब गल 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 करके शमशान में जा रहा ये नहीं समझ आती कि मैंने अगली कामनाएं पूरी की है मेरी पूरी भी हुई है ये तो लाखों में कोई कोई होगा मेरी बेटी नारी चोले में तो कोई कोई होगी जो इसको देखेगी हो क्या रहा है इतनी जिंदगी गुजरती वासना को पूरा करते करते पूरी का शरीर पूरा हो रहा है सेहत खत्म होती जा रही है लेकिन वासना बढ़ती जा रही है हमारे भरती जी कहती है क्या शरीर वृद्ध हो रहा है बूढ़ा और मन तरुणाए थे मन जवान होता जा रहा मन तरुण मन जवान शरीर वृद्ध अब हरते देखती रही बूढ़े व्यक्ति सिनेमा में जाते हुए क्या फोन क्या सुनी पाएंगे बूढ़े व्यक्तियों को देखते हुए बूढ़ी मां को दमा है बाल बिल्कुल सफेद है
और चाल देखो कैसी बहुदा चाल है, लेकिन सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, बुढ़ी बुढ़े ने दोनों ने हाथ पकड़े हुए हैं, और कहां जा रहे हैं, किसी धर्म स्थान पे नहीं, सिनेमा हॉल के अंदर, और टिकट नौकर ने ले रखी है, लीजिए बाबू जी ये टिकट। अरे अच्छा दोनों की है, आप दोनों की है ये टिकट, और जाकर है सिनेमा हॉल के अंदर, और अंदर खांस खांस के ना इधर वालों को सुनने देती है, लेकिन जाना जरूर है, चूंकि रोटी नहीं हजम होती। जो बुजुर्गी में हाल में जा रहे हैं, उन्होंने जवानी में क्या खाक ना डाली होगी अपने सिर के अंदर, क्या क्या कुकर्म ना किए होंगे, अंदाजा लगा लीजिएगा। तो कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती, वासनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। बुजुर्गों को जरा चाट खाते हुए बाजार में देखा करो, मेरे जैसा तो चिल्ला उठे, इतनी उम्र अंदाजा लगता है कि कम से कम 72 साल की उम्र होगी, और कैसे चाट खा रही है। चलो खा लिए कब वक्त, मैंने आंखों से देखा पुत्र, वो जो मिलता है दोना सा, फिर उसको जरा धरना बाकी रह जाए, रोते खड़े होते थे बाजार में देखकर, ये वो कह रहा, जैसे कुत्ते लगते हैं पुत्र, इसी तरह यूं कर खा रहा, भाई इतना हिस्सा पैसे नहीं खर्चे, चवन्नी का लिया या ठन्नी का लिया, इतना हिस्सा बाकी रह क्यों जाए, ये चट के खाना क्या किया होगा। इसी तरह मेरी आज की पढ़ी लिखी बेटियां, आज पढ़ी लिखी बेटियों को हॉस्टल में जाओ, शराब वो पी रही है, पौवे वो पी रही है, सगार वो पी रही है, सिगरेट वो पी रही है, इसको समझते वाह वो पुराना जमाना था, अब नया जमाना है, ये तो ठीक है, ये तो होना चाहिए। आप देख रही है वास्तव की पूर्ति क्या हो रही है, अगर आपने ये तो मैं और आप विचार करते हैं, ऐसा सुनता भी कौन है, और परमात्मा कसम ऐसा लेक्चरार बोलता भी कौन है, असलियत बताया कौन बताता है, और फुर्सत भी किसको है, सवेरे से शाम तक ऐसे रंडी गंदे रोने हैं, रंडी रोने ऐसे गोरख धंधे हैं, उन्हें मरता ना ये करना ना ये काम, झुक देना ना गिरा देना ना ये करना ना वो करना ना वो करना, और तो और ऐसी कल्पित उन्हें मत मारिए कि धर्म स्थान लाखों रुपए लगाने पर भी असलियत नहीं बताते। अगर बंदा रहे लाखों रुपए लगा पड़ा है मास्कों पर, जो आगे है हारमोनियम इत्यादि है, गा 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 करके बजा बजा करके अगली समझ नहीं आएगी, बजा रहे गा रहे गा रहे, अपना दिन घंटा पूरा किए चलते रहो। गुरुद्वारे में है बाबा जी की वाणी लगातार चल रही है, तुम समझो बुद्धू ना समझो, वो तो अपना घंटा पूरा करके भागी जा रहे। चोटी की वाणी को एक शब्द पर विचार होना चाहिए, कौन ऐसा करता है, वह अखंड पाठ हो रहा है जी, चलो अच्छा जी सतनाम शिव किया और पाठ किया, कौन समझिए कौन समझाए, जब तक एक एक बात हमारी पल्ले ना पड़े बिठाई ना जाए, लेकिन तो करोड़ों रुपए मंदिरों में लगा पड़ा है, लेकिन क्या शिवरात्रि है, हाँ और क्या क्या होंगे, कितना रुपया खर्च जाएगा, पर कोई असलियत बताए कि शंकर जी ने अवतार लिया तो किस लिए लिया, और वो हमें बता क्या गए, यदि शंकर की होती है तो किस कारण से होती है, कोई पता नहीं, ना धतूरे का चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे, पानी ऊपर डाल देंगे शिवलिंग के ऊपर, और बेर बांट देंगे टोकरी भर, ललित शंकर की पूजा होगी, ललित शंकर होगी, मैंने पूरा कह दी, या मेरी कुआरी बच्चियां जाके मनाएंगी, अच्छा बार घर दे दे मेरे भोले शंकर, आप तो आशुतोष हो, हमें भी तो अच्छा कर दो, इससे बढ़ गए ऐसी मत मार गया, मर ऐसा पकता गया है, अगर आप देवी देवताओं को मनाते भी हैं तो अपनी वासना की पूर्ति के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए, ये तो पहला स्थान होगा जहां जनता धर्म स्थान में आती है, भगवान की केवल मात्र भगवान की वाणी सुनने के लिए। मेरे भगवान जी बड़े मुस्कुराते होंगे देखकर, हम केवल मात्र यहां आती है भगवान की वाणी के लिए, वास्तव की पूर्ति के लिए नहीं, कामना की पूर्ति के लिए नहीं, हम अर्थ भगत बन के नहीं आते, या अर्थ अर्थी बन के नहीं आते, महाराज जी की स्पेशल वाणी को सुनने के लिए। भगवान ने चुन चुन के अंबाला के चारों कोनों से जीवों को निकाला है, चुन चुन के, जैसे हमारे घर में मां बनाती थी हफ्ते में 2-3 बार गोभी के बाहर में गोभी, मुझसे नहीं खाई जाती थी, पर मेरे लिए कुछ स्पेशल कांच बने तो गोभी में आलू डालते थे, तो मेरे जैसा चुन चुन के चमचे से आलू निकाल लेते थे, सारी प्लेट में से आलू बाहर निकाल ले, यू निकाल लेने और निकाल के भरोसी आलू से खा ले, मुझे गोभी भी अच्छी लगती थी तो आलू भी, चलो आलू तो बीज में डालती है, वो चुनना माने हंसना कि पुत्र मैं तेरे लिए अलग आलू, मैं तेरे कहा ना बता, लेकिन आलू तो जो मेरे जो मैंने खाए, तो भगवान ऐसे चुन चुन के जीव गोभी में से आलू की तरह भेजी है,
मैं तो आपको देख करके मुझे अपने माँ बाप के घर की बातें याद आ जाती है। जैसे मैं आलू चुनता था, भगवान मेरे ने ऐसे आलू चुनी है चारों तरफ से, नेक जीवों को, विचारवानों को, विचारवती विदुषी बेटियों को चुन दिया है। भगवान की बड़ी कृपा, पुत्र बड़ी कृपा, जो आप असल वाणी सुन रहे हैं, असलियत की बातें सुनी जा रही है। वरना यह छण के होते ही होते लाखों का मंदिर बना लो, छण छुने बजा लो, क्या पता लगेगा। कोई लेकर के पढ़े लिखी जनता पर जरा नहीं पड़े, जरा भर नहीं चुके। इंसान बेचारा को पुतला है, जब तो बच्चे हाई चीटी की विचार ना दिए जाए, नो इफेक्टेड हो। मन को ओवर पावर कैसे आया जाए, मन के ऊपर हम कैसे हावी आकर के उसको समझाए कि मन तो जो कर रहा है नथिंग बट ब्लंडर, नथिंग बट फॉली। हमारे से पढ़े लिखों को तो विचार चाहिए। शुक्र उस परमात्मा का जिसने जगत में गीता को अभी रहने दिया। गीता इतनी छोटी की, इतनी छोटी का ज्ञान, इतनी छोटी की नॉलेज और कलयुग के अंदर अभी है। सिर्फ किया जाता है, बताओ बेटियों, बुजुर्गों मेरे अच्छे भाई, इंसान पैदा हुआ है अपनी वास्तव की पूर्ति के लिए, पर अफसोस की बात है वो ये नहीं समझता कि वास्तव किस ढंग से मैं पूरी करना चाहता हूँ, ये पूरी होनी नहीं। जैसे विदर्श कर रहा था, मेंढक को कोई तोड़ नहीं सकता क्योंकि मेंढक फुदकती है, मेंढक जंप करती है। अगर ये लीप ना करें, जंप ना करें, तो फिर जीतो मजी तोड़ लीजिए। ये जो उनकी लीपिंग है और जंपिंग है, इसलिए असंभव हो जाता है कि हम ये तोड़े। इससे मेरे बच्चे ये जो लीप करते हैं, आप शुरू से अपनी जिंदगी पर नजर डालो, हर बुजुर्ग, हर मेरा बच्चा, हर मेरी मैया और हर उपस्थित धार्मिक बेटी, आपने उसी जिंदगी पर नजर डाल रहे जो भविष्य में, जो भूतकाल में गुजरी है और वर्तमान में आप हैं, तो कैसे क्या कह रही पूरा किया और हुआ क्या अधूरा। ये किया कुछ दिनों बाद फिर और, वो किया तो कुछ और, वरना आपके चेहरे लाल होते, आप इतनी प्रसन्न होती, कोई जरूरत ना पड़ती आपको कभी भी क्या मेकअप करने की, आप खुद ही चेहरे लाल, एक एक अंग आपका लाल होता, अंदर खुशी इतनी उछाले मारती, तो गुलाब का फूल लज्जा जाता, आप निश्चिंत होते। ऐसा है क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, सब कुछ तो आपने कर लिया, क्यों नहीं है जी, बताया जा रहा है कि नहीं। जैसे भगवान जी ने गीता जी में कहा, ये अग्नि पर घी डालने से अग्नि बुझा नहीं करती, अग्नि भड़कती है। बहुत अच्छे, अग्नि पर घी डालने से मेरे सजनों, मेरी बच्चियों, अग्नि भड़कती है, बुझती नहीं। इसी तरह मन पर कामना पूरी करने से कामना भड़कती है, कामना बुझती है। क्या हजर का दृष्टांत है, क्या कमाल का दृष्टांत कर योग के नगरवा ने दिया है। वो और भड़केगी, और भड़केगी। अगर आप आहुतियां डाल रहे हो अग्नि में, तो मेरी बेटी अग्नि भड़केगी ना। इसी प्रकार अगर आप कामों की आहुतियां डाल रही हो मन के अंदर, तो और भड़केगा मन, और लूसेगा मन, स्टिल मोर। उधर आयु कम होती जा रही है, वास्तव में बढ़ती चली जा रही है। कामना बढ़ती, मैं उनको मुबारक समझूंगा, वो मेरी बेटियां मुबारक है। आयु के घटने के साथ साथ जिनकी कामनाएं भी तबाह होती जा रही है, घटती जा रही है, खत्म होती जा रही है। वरना 99% आज की नर नारी का उम्र को घटा रही है, वासना को बढ़ा रही है। विचार करना मेरे बच्चे, विचार करना मेरी लेकर, मेरी जो है अच्छी बेटी, बड़ी बुरी वाली बात है। ऐसी मन बड़ा महसूस करता है, उम्र घट रही है, वासना बढ़ रही है। ऐसा क्यों, कामना का स्वभाव ही ऐसा, जो जो हम कामना को पूरा करेंगे वो पूरी भी होंगी। इस तरह इंसान क्या होगा, ये तो पता कोई नहीं। एक अनुभवी महापुरुष को पता होता है मेरा शरीर कहां और किस तरफ चल रहा है, बाकी भगवान उसको बताती, बाकी सारे अनभिज्ञ होते हैं, अर्थात तो उन्हें पता होता। और मैं कहता हूं अच्छा किया भगवान ने, वरना आप रोटी पानी छोड़ देते, आपको शौच पेशाब भी ना आता। मैंने थोड़ा दिन बाद पुरानी तरीक को मर जाना, लो चुके अटैक में जबरदस्त इधर उधर पर आपके साथ, आप तो रोटी लेती रहती, मैं तो मर जाना, मैं नाटक ही करूंगी, मेरे दिन तो आगे बाकी रह गए 20 दिन और। भगवान ने ऐसा कर डाला है कि बता ही, एक अनुभवी को बताया था पुत्र, जिनके अंदर पर्दे उतर चुके, उनको पता लगे, उनको महसूस ही नहीं होता। भगवान बताते भी उसको है जो जिंदगी यही मरा पड़ा है, जिसने शरीर रहते हुए भी शरीर से अपने मन को हटा लिया। भगवान सुनो, उसी को भरा, दूसरा आदमी पागल हो गया, दीवाना बन गया। अरे भगवान जी आपको बता दे तो, ना खाना ना पीना ना करना ना कोई कपड़े को पे, मैं काम की करेंगे, क्या हो गया तुम्हें, लम्बे की करना तो बाकी लगे 4 दिन लगे, ले ये बिल्कुल अनभिज्ञ, बाकी तो पता ही कोई तो क्या होगा, अचानक श्री छूटा, हाँ क्या ले गया, वासना कामना इच्छा है, कौन ले गया, सूक्ष्म शरीर बता चुका हूं आपको, क्या छोड़ गया, स्थूल शरीर।
ये छोड़ गया और जो आपका एकांत में बैठती है कुतर कभी विचार क्या करे, मेरी बेटी जो आप बैठती है कौन सोच रहा है अंदर वाला, कौन घोड़े दुला रहा है विचारों के अंदर वाला, अंदर वाला घोड़े दुला रहा है विचारों के, यही छाया की तरह है, जैसे ये छाया होती है हमारे शरीर की, इससे भी बहुत ही सूक्ष्म, तो वो निकल जाता है वास्तव कामना पत्ता निकल गया, वही जो कि सपने बनाता है, शरीर मरा पड़ा है नींद के अंदर लेकिन सपने कौन बना रहा है, गलियां मोहल्ले और वो रूप, और ये किसने बना लिया मन के अंदर, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना मेरे पुत्र, ये किसने घर लिए, आप तो सोए पड़ी है रजाई ले करके, रजाई के साथ कमर भी लगाया हुआ है, आप इतनी गर्माश लेके सो रही है, अंदर बना कर रहा है, ये किस किसने रच दिए, यही अंत समय निकल जाता है, वास्तव का पुत्र कामना का पुत्र बाहर निकल जाएगा, यही इसी तरह जिससे जहाज खराब हो जाने के बाद जब पायलट दिखता है, ये ड्राइवर दिखता है जहाज का पायलट, क्या क्या मेरी मौत है, जहाज जलने लगा है, बटन दबाता है कुर्सी समय बाहर आ जाता है, जिस कुर्सी पर उतर उतर वो बाहर निकल जाती है, वो फिर पैराशूट खुलता है, भगवान ना करे अगर ना खुले तो होया, फिर वो पैराशूट के सहारे धीरे धीरे करके नीचे उतरने की कोशिश करेगा, आप कभी देखेंगे हाय ये परी क्या उतर रही है, वो पायलट होता है जो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए बेचारे ने अपने आप को जहाज छोड़ दिया, मैं इसी प्रकार स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर छोड़ के उड़ जाता, ये दृष्टांत याद रखना, जैसे जहाज के खतरा हो जाने के बाद पायलट अपने आप को बाहर ले आता, जरा आधा मिनट रोक करके सोचो, जहाज को आग लगी, पायलट ने दबाया बटन और उसी समय बाहर पैराशूट फिर खुलती है, दोनों तरफ से पैराशूट खुल जाती है, हवा का मुकाबला करता हुआ वो धीरे धीरे करके उतरेगा, कभी कभी चाहे उड़ भी जाता है वृक्षों के अंदर, फिर आवाजें मार के उतार के करके, इसी तरह सूक्ष्म शरीर जो छाया की तरह है, ये इस अंत समय शरीर को छोड़ के बाहर जाता ले गया, वासना कामना इच्छाएं ले गया अपने साथ ले गया, आप यही फिर आपके जन्म ले गया, चूंकि डिमांड एंड सप्लाई का पुस्तक नियम चार ओर चला हुआ, डिमांड एंड सप्लाई, ऐसी डिमांड सो सप्लाई, प्रकृति में भी यही नियम है, हर इंसान के अंदर भी यही है, हिंदी में बोलेंगे जैसी मांग वैसी पूर्ति, पूर्ति भगवान कैसी करेगा आपकी, जैसी आपकी मांग है, आप जो चीज आप कभी हफीम हफीम कोई आपको देगा नहीं, क्योंकि हफीम की मांग ही नहीं है आपको, आप कभी हफीम खाना एक तरफ देखते भी नहीं है, तो कौन पूर्ति करेगा आपको, कौन देगा आपको डब्बी भर के अफीम खा रहे हैं, ऐसा कौन करेगा, या कोई पौवा आपको दे अशोक ये पौवा पौवा, अरे मैंने तो कभी मुंह तक नहीं देखा, ये चूंकि नो डिमांड नो सप्लाई, कोई आपको सप्लाई नहीं करेगा, या कौन ऐसा का वक्त होगा जो सिगरेट के डब्बी निकाल के आप कहे मिस्टर वन फॉर यू वन फॉर मी व्हाई, अच्छा आप भी पीते, अच्छा क्षमा करना, कोई ऑफर भी नहीं करेगा मेरी बेटी, चूंकि नो डिमांड नो सप्लाई, शाबाश, अब जिस प्रकार की आपकी गंदी गंदी डिमांड है इस प्रकृति को सप्लाई करना पड़ेगा, निकाल बात है, और जिस श्लोक को चूमो सिर पे रखो लब के साथ रखो छाती के साथ लगा लो और विचार करना बैठ जाओ, क्या कहा है, लगाई थी लौ जिससे हासिल हो वो, उसी शय से अर्जुन वासलो वो, पहले उसी शय से अर्जुन वासलो वो, लगाई थी लौ जिससे हासिल, परमात्मा कसम बिल्कुल ये नियम प्रकृति में ऐसा ही चल रहा, जिसको गोसाई जी ने अपने दोहे में कहा है, जो है जाको भाविता सोता ही के पास, उनका पूरा दोहा है, मैं बोल दूं, जन्मे बसे कौंदनी, कौंदनी कहते बच्चे कमल को, जन्मे बसे कौंदनी चंदा बसे आकाश, हजारों मील चंदा है चंद्रमा मेरे पुत्र चंदा मामा, और चंद्रमा कितना दूर और तालाब में कमल है, इनका आपस में बड़ा प्यार है, मुझे आपको कोई इतराज नहीं होना चाहिए, हमें कोई मृत्यु नहीं पड़ेगी, इनका आपस में बड़ा प्यार है, जब सारी दुनिया सोती है ये दोनों आपस में प्रेम भरी बातें करती है, कौन कमल और चंद्रमा, बहुत ही प्यार, शायद आपने किसी के साथ ऐसा प्यार ना किया होगा,
किसी के सजित्र के चंद्रमा का और कमल कमल खिड़ जाता है और खिड़की जो पता नहीं किस अलौकिक बोली में आपस में बातें करती है, जैसे कोई लवर बिलवर आपस में बहुत प्यार से बातें करता होगा पर सारी रात ही गुजार देते होंगे रो रो के शिकवे देख के तू मिलिया नहीं पात्र का जवाब नहीं दिया वगैरह वगैरह तरीका होते फिरते हैं। इसी तरह जो ये खिड़के और जो महीने के बाद आप आए हैं कमली शिकवा देते हो कि महीना में रो रो के मर गई है तुम्हारी इंतजार करती हुई अब आप आए हो क्योंकि महीने के बाद निकलता है मेरे बेटे चंद्रमा तो बड़े शिकवे दे 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 के सारी रात आपस में गुजार लेते हैं। तो गुसाई जी कहती है जल में बसे कौंदनी और चंदा बसे आकाश हाँ हाँ जो है जाको भागता सोता ही के पास। नियम देखो क्या कमाल का नियम है बेटी बेटी जो है जाको भागता इस संसार में जो जिसको अच्छा लगता है परमात्मा का नियम है वो उसको मिला देता है। आप जिंदगी में भी देख लो ये सत्संग भवन का हो जरा देखिए सत्संग भवन का हो और आपको मेरे भगवान ने अंबाला केंद्र शहर के किस कोने में रखा लेकिन आपकी धार्मिक डिमांड है भगवान ने छोटी सी उम्र में इस शरीर को पढ़ा के फिर छोटी सी उम्र में जंगलों में भेज के हाय छोटी सी उम्र पुत्र यही लाइन याद आती है ये शिकार का लाइन जहां मैं बैठा रोता रहा हूं हंसता रहा हूं और बालक के दीदार के लिए तरसता रहा हूं रोता रहा हूं हंसता रहा हूं भगवान के दीदार के लिए तरसता रहा हूं और जब बरसात आनी अब तुरके हैरान जाएंगे मैं भागता हुआ वृक्षों से लाइन के इस पुलों के नीचे बैठ जाता था कभी उस पुल के नीचे कभी उस पुल के नीचे कभी उस पुल के नीचे मुझे वो गुजरी हुई जिंदगी याद आ रही है यही लाइन थी यहां से कुछ मील दूर और इससे गुजारकर भगवान ने एक को पढ़ा के जंगलों में भेज के जल्दी जल्दी साधना करा के और अपने प्रेम भरे दीदार से तृप्त करके नाक में नके जो तो मेरी इच्छा पूरी थी क्यों प्रचारक करो मैं तो उस तरह आया हूं जैसे किसी के नाक में नकेल डाल दिया जाती है नाक में नकेल डाल के आपके लिए तैयार करके और आपको पुट के घर घर से पुटे भगवान उठ उठ तेरी डिमांड है उठ उठ तूने ये चाह था उठा के प्रबंध आपका कर धर्म स्थानों में काका घोड़ा नहीं होता तुम्हारे पास लखन दिवस है धर्म स्थानों में पुत्र साइकिल ही कोई मिलने जाकर देखो सही अगर मिलेगा भी अगले पिछले टायर फटे पड़े होंगे अगर कहीं है भी सही अगले टायर फटे तो आपके लिए बसू और इस तरह चल रही है जैसे कोई जला रहा कौड़ा रख करके पुत्र 2 बजे की उठती है यदि भी पाठ करती है और 3 बजे पानी डाला जाता है बसों के अंदर देखा जाता है पानी है ठीक है और उसके बाद 3 बजे यहां से स्टार्ट हुआ इतनी शीतला इतनी बरसात जनाब को लेने के लिए वाह वाह रानी खा के सालो मेरे कृष्ण के प्यारो मैं हंसता रहता हूं मेरा पाठ हो रहा होता है कि मेरे मां का वाह वाह क्या मोती आपने दान किया था पुत्र उस वक्त जनाब के प्यारे उठते हैं शायद किसी ब्रह्मचारी का दिल चाहे या ना चाहे लेकिन मेरे डर के मारे या मेरे प्यार के बारे कह लो या मेरी आपके क्रोध के बारे कह लो बाबा जी क्या कहेंगे फिर उठती है बिचारे और आपको जगह जैसे डाक किया डाक बांटता है उसने आपकी बस डाक बांटती तो नहीं डाक रसीद करती है चलो चलो मेरे मालिक ने भेजा है मैं कहता हूं मोजा हो रहा और भगवान साबित कर रही है एज दी डिमांड सो सप्लाई देखिए जी मेरे पुत्र सप्लाई हो रही है कैसे किया जा रहा है कैसे बनाया जा रहा है भागाबाजी 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 कहां कहां आप नारी का चोला शाबाश और फिर किसी की बीवी शाबाश फिर बच्चे शाबाश और फिर इस उम्र में घर से निकल आना मर के तो मजबूरी नारी निकलती है वरना निकले का वक्त कहां है आपको फुर्सत ही कहां है आपको कितने धंधे आप छोड़ के आए हैं कितने चक्कर आप छोड़ के आए हैं ये मेरे मालिक की बुरी कृपा हो रही है क्योंकि आपने किसी जन्म में बड़ी जोरदार भगवान से ये मांग की होगी अपनी वाणी की और उनके दर्शनों की बड़ी जबरदस्त डिमांड है मैं तो क्या सारा अंबाला और कैंट हैरान है कि जनता उठता नहीं वहां भरमार है जनता भरमार धर्म स्थान वाले परमात्मा कसम खुश होने की बजाय उनके अंदर पेट में वट पड़ती है क्या ये है 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 और है करके अपने गले के दिन का करते इतना जनता इतनी जाती जनता जंगल में जाती है साधु ने क्या सिद्ध कर रखा है वो ये नहीं कहते क्या सिद्ध कर रखा है लोग सिद्ध कर रखा है वो अपनी पत्नी क्या
अपने भावों में मस्त, विचारों में मस्त होती तुम अजीब है यार, लेकिन आपकी डिमांड है सप्लाई कैसे हमारे भारत की पूर्ति का डाली आप लोगों की, कैसे पूर्ति की, ये तो एक थोड़ी सी जनता है ना, ये साबित हो रहा है। हमारा कैंप तो अच्छा नहीं, इस पर लगभग 6 लाख से ऊपर रुपये है, 7 लाख को शायद प्लस कर गए, ये हमारा कैंप सभी सारे मिला करते हैं। उन 7 लाख में मेरी अगर आंखें ठीक काम करती है, हम लोग इस वक्त को 600 आए बैठी है, 500-600 का इस वक्त अंदर है, तो होगा ना हजारों में होगा कोई खार खाल, तो जिसको फिक्र हसूल है तो 6-7 लाख के पीछे 4 लाख के पीछे 100, ये भी कलयुग में परमात्मा की कसम बहुत ज्यादा है, लाख के पीछे 100, और लाख पता कितना होता है, एक काल दिमा लाख, लाख पुत्र 100,000 का 1 लाख, 100,000 पांच सिंह लगानी पड़ेंगे एक देंगे, 100,000 का 1 लाख, हाँ 100,000 के पीछे 100, 100,000 के पीछे 100 है, और इन थोड़ी सी जनता में कितनी ऐसी हैं जिनकी वृत्ति टिक गई है भगवान के फल, ये तो आप आ रही है ना, सुन रही है, आगे मेरी मरादी डराती है, हो इन बात कमालों में कोई बशर जो मेरी हकीकत से पाए खबर, इतना में पर खोजी कितनी है, खोजी जो मेरे श्याम जी की खोज कर ले, जिनकी वृत्ति चढ़ी जा रही है, वरना दर्द हो गए राखी कोली खुले के करिए जाग ही नहीं आंदी, करिए ते के करिए रात को 11 बजे तक सोने आए के आवे तुहाडे को, आवे तो किस तरह आवे, 3600 टंटे 3600 बहाने 3600 घर के मेहमान, आज मामी आ गई थी, फलाना आ गया था, के कर दे है ना टंटे कितने 3600, ले रात को काके ने उठा दिया, लूज मोशन करके दी हो गई है, और चोट के सवेरे तो मेरे को उठिया ही नहीं गया, लो हो गई लूज मोशन, मम्मी लूज होगी साहब, ना मुझे ये हुआ मुझसे कितने टंटे, कितना कुछ करना पड़ता है घर के अंदर, कितनी बातें कर, कुछ बड़ा मुश्किल उस वक्त खोज की जाए मालिक की, मालिक के लिए डटा जाए, फरमान करे ये पूरा हो जाए, वरना जिसके जी संसारी रूप में जा रहा हो, संसारी रूप में कामरे बना ये बना वो बना, तो मेरे पुत्र वो तो पूरी होनी थी, फिर जीव गया गया, फिर चक्कर काटने के लिए, फिर चक्कर आया, फिर चक्कर चक्कर, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, बीज से फिर वृक्ष, वृक्ष से फिर बीज, क्यों सरकार ये कब खत्म होगा चक्कर, सर जी क्या कहते थे, जिनके श्री चरणों का मैं प्यारा हूं, जिन्होंने विशेष बख्शिश करके मुझे अपने चरणों का प्यारा बना करके मालिक तक पहुंचाया है, उस गुरुदेव जी की बड़ी कृपा, वो कहा करते थे ऐ बंदा है खुदा, कभी एकांत में बैठ के सोचते सही, बीज से क्या बनता है वृक्ष, फिर वृक्ष से क्या बनती है बीज, कई बीज, फिर वो बीज कहां जाते हैं धरती में, धरती छुपा लेती है, फिर उनमें से वृक्ष निकल आते हैं, उनमें से फिर बीज धरती में गिरते हैं, फिर कितने वृक्ष, ये चक्कर कब तक चलेगा पुत्र बीज वृक्ष का, बाबा जब तक वृक्ष की जड़ नहीं सर्दी तब तक ये चक्कर चलेगा, जब तक वृक्ष की जड़ नहीं सड़ती तब तक बूर आएगा फूल आएगा, पत्ते लगेंगे बूर आएगा फूल आएगा, फूल से फल बनेगा, फल में बीज लगेगा और बीज फिर गिरेगा, ये चक्कर डाल गया, जब तक जड़ न सड़ जाए, इसी तरह काम करते थे, जब तक जीव की अज्ञानता रूपी जड़ न सड़ जाए तब तक ये चक्कर जाल गया, जन्मना मरना जन्मना बढ़ना, जन्मना बढ़ना घटना मरना, जन्मना बढ़ना घटना मरना, सूरज का उदय होना बढ़ते जाना घटते जाना अस्त हो गए, इस तरह हमारी बर्थ ग्रोथ डिके डेथ, बर्थ ग्रोथ डिके डेथ, बर्थ ग्रोथ डिके डेथ, बढ़ना जन्मना बढ़ना घटना मरना, कुछ बोल रहा है निर्देव बेटी, कितना बुरा चक्कर है, कितना बुरा चक्कर, और माया ऐसे पर्दे डाले, कौन ऐसे सोचता, कौन असल बात को सोचता है, बस सवेरे उठा नहाया या नहाया, बच्चा चू पी ली, शौच पिला किया, कपड़े बदले, अगर साइकिल उठाया स्कूल को कॉलेज को कोई इधर दफ्तर में कोई इधर चल गए, 6-7 घंटे चक्की पीसते रहे, काम पूर्ण करते रहे, फिर अपना आए, फिर रोटी खाई, फिर गप्पे गुप्पे मारी,
फिर अपना इधर उधर सैर सपाटे किए, फिर आके फिर शाम का फिर रिफ्रेशमेंट 4 बजे करी, फिर आप रात की रोटी लुटी, फिर गप्पे मारते मुड़ते टीविया टीविया देखते सिनेमा सिनेमा देखते हुए और अपने और गप्पे सटे लाते हुए 11 बजाए, फिर रात को फिर लेट उठे, चक्कर देखो संसार की जिंदगी को, या देख ले मेरी हर बच्ची अपना चक्कर कितना बुरा चक्कर चल रहा। अब इम्तिहान होने लड़कों के, मेरी लड़कियों के अगले महीने इम्तिहान होने हैं, मैं उसका चक्कर है काका नहीं पढ़ रहा, काका ट्यूशन नहीं, काका ये आना, काका सारा चक्कर चक्कर है। इसी को मेरे भगवान ने है चक्कर ही चक्कर में दुनिया का हाल, कितना बुरा चक्कर है, कारोबार के चक्कर, कमाई के चक्कर, आगे मार का लड़कियों के ब्याह के चक्कर और बड़े बड़े चक्कर। ओए अब इस चक्कर से छूटे जिसके अंदर जड़ कटे अज्ञानता की, अज्ञानता का मतलब ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान का मतलब मैं क्यों पैदा हुआ और किस दुनिया में मैं आया हूं, ये क्या है और मुझे और दुनिया को चलाने वाला कौन है। महापुरुष कहते हैं जब ये 3 प्रश्नों का उत्तर लेके जीव अंतर्मुखी हो जाता है तब अज्ञानता की जड़ कट जाती है, मैं कौन हूं और ये दुनिया क्या है जिसमें मैं आई हूं या आया हूं और मुझे और दुनिया को चलाने वाला कौन है, कौन मुझे चला रहा है, कौन इस प्रकृति को चला रहा है, किसके डर के मारे सूरज निकलता है और सारा दिन तपता है, किसके डर के मारे सितारे तारे ये सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, किसके डर के मारे हवाएं चल रही हैं, किसके डर के मारे पानी सिसर करके बह रहा है, किसके डर के मारे सारे तरफ काम हो रहा है, कौन कौन ये करवा रहा है, वो नजर नहीं आता पर जिसका ऑर्डर बड़ा जबरदस्त है, ये दुनिया बनाना बना के फिर चलाना उसी का काम है, वो बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम। बेटी ओए बेटी जरा खुल के बोलती रह कर और अंदर मन में बोलती रह कर, ये बड़ा छोटी सी गृहस्थी है लेकिन कितना काम इन ऑर्डर हो रहा है, इन ऑर्डर और जरा बड़े पैमाने पर ये दुनिया बनाना बना के फिर चलाना हर उसी का काम है, वो बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम। छोटी सी गृहस्थी चलानी होती है तो क्या से क्या कर रहे हो, कितने कलाबाजियां खानी पड़ती हैं, ये ले आ वो ले आ ये कर सारे महीने की चीजें इकट्ठी कर और ये बना और मुन्नी के लिए काके के लिए फलाने के लिए तोबा मेरे रब, कितना कुछ करना पड़ता है। एक तो रसोई में बैठी है सारा दिन, आज बैठी है उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट है, उसके बाद फिर दोपहर के लिए वो लंच लुंच घुसड़िंच लंच में घुसड़िंच वो जो है और डब्बे में बड़ांत, वो डब्बा मुन्नी का डब्बा बाप का डब्बा मेरे काके का डब्बा मेरे फलाना मेरे खुद जाना है फिर काकों को छोड़ना है, वो मेरे रब्बा ओए कितना बड़ा, उसके बाद फिर शाम का फिर कितना बड़ा काम हो रहा है एक छोटी सी दृष्टि के अंदर आजकल फटाफट 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 आटा गूंथा बना 4 दिनों का तक टाइम ना वेस्ट और उठा निकाला और किया चल, सब्जी बड़ी पड़ी है 6 दिनों की फ्रिज के अंदर निकाली और गर्म की और चल, फटाफट काम हो रहे हैं फटाफट फटाफट फटाफट। हमारे इस फटाफट को देख के काले भी कहा मैं भी फटाफट फटाफट फटाफट, वो भी हमारा स्वभाव फटाफट दिए फिरता, वैसे फटाफट बोलते कहकर मोटरसाइकिल करो फटाफट 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 या परमात्मा के सब जिंदगी बहुत फटाफट 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 जिंदगी फटाफट मां फटाफट जिंदगी जो कि आपने बनाया था फटाफट हर काम फटाफट होता है, वारे मालिक तेरा इंतजाम। मेरी एक बेटी जरा मन में सोचना क्या वासनाएं इससे पूरी होगी नहीं होती, वासनाएं पूरी नहीं होती, नैराग पैदा हो जाए तो वासनाओं को हम उल्टी कर दे तो और बात है, वासना अपने आप में तो बढ़ती जाएंगे इंसान को जलमर के चक्कर में डाल दिया इंसान दिन में गामरे गामरेगा, जैसे मैंने अभी कहा बीज और वृक्ष का हाल है, बीज से वृक्ष वृक्ष से फिर बीज फिर चक्कर चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे मैं कहूं गुसाई मेरे गुरुदेव कहते थे जैसे एक जाओ उसके पास कुएं के पास रैट के पास, हाँ रैट में क्या है बैल चल रही है, हाँ उसके साथ वो टिंडे या जिसको हम लोटे कहेंगे, लोटे नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे नीचे पानी है, फिर ये लोटे ये गए नीचे नीचे भर के आए, भर के आकर के ये नसार के ऊपर सारे लोटे बोल रहे हैं मैं कुर्बान मैं कुर्बान मैं कुर्बान मैं कुर्बान मैं कुर्बान, सारा अपना पानी कुर्बान करते जा रहे हैं, निसार में पड़ रहा निसार सारे नालियों में जा रहा मैं कुर्बान और कुर्बान करके इधर खालियों पर जा रही है, खाली गए फिर नीचे से फिर भर गए भर के फिर ऊपर आए मैं कुर्बान मैं कुर्बान मैं कुर्बान की जा रहे, इसी तरह करोड़ों हजारों जीवों का यही हाल, भर भर के कामना लाती है, भर भर के
जब माँ के पेट में जी प्रवेश करता है, वासनों का पुतला भरा हुआ, जैसे रोटे पानी लेके आए, भर के आती, फिर नए जन्म में फिर नई भर के आने के लिए तैयार। ये चक्कर कब तक? जब तक जनाब बैलों को खोल देंगे। अगर बैलों को खोल दो फिर तो जाएगी छुट्टी, अगर बैल चलते रहेंगे तो ये लोटे भर भर के आते रहेंगे। अब इंसान की बैल अज्ञान था, जब तक पर्दा जहालत ये दूर नहीं करता, तो भगवान ने कहा है जहालत है उर्फा पे तो दुनिया है चक्कर में आई। शुक्र है भगवान कृष्ण का जिन्होंने इस जहालत की धज्जियां उड़ाने के लिए सुबह शाम अपनी वाणी चला दी। सुबह शाम मैं कहता हूं जरूरी बना लो सत्संग का सुनना, गीता जी का पढ़ना, विचारना, अपनी अपने रूटीन का एक जरूरी अंग बना लो। जैसे कमाना जरूरी है, खाना जरूरी है, विश्राम या रेस्ट करना जरूरी है, इस तरह भगवान की वाणी सुन के मनन करना हमारे लिए इनएविटेबल अनिवार्य अपरिहार्य हो जाएगा, ताकि ये मन में धस जाए, असल बात का पता लग जाए। जब असल बात का पता लगा फिर जीव उसकी कमाई करता है, लपकता है उस तरह। वरना मेरे अच्छे बुजुर्गो, मेरे अच्छे बेटो, माता और मेरी होनहार बेटियों, इंसान के चक्कर ये कब खत्म होगा सोचना नहीं खत्म होगा, जब चक्कर लगा रहेगा, बार बार लगा रहेगा। इधर भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं अर्जुन जो द्वंद अतीत हो गया है, सर्दी आई ठीक है, गर्मी आई ठीक है, सुख आया ठीक है, दुख आया ठीक है, ये आए जो द्वंद अतीत, ये द्वंद अतीत कौन होगा? पुत्र जो अंतर्मुखी हो चुका है, और अंतर्मुखी कौन होगा? जिसके पहले ज्ञान है, वही अंदर अंतर्मुखी हो ना, वही भगवान की वैल्यू बढ़ाता हुआ भगवान की तलाश में लग जाएगा ना, वही इनक्विंग बनेगा, वरना तो आउटक्विंग जीव है। अब आउटक्विंग टेंडेंसी हटेगी, इनक्विंग टेंडेंसी बढ़ेगी, तब कोई इन द्वंदों की परवाह नहीं करेगा, द्वंद आते वाले दे मेरी बला से। तब मेरे भगवान ने कहा जब द्वंदों को जीत गया, द्वंदों के आने पर उसके मन पर असर नहीं होता, वो अंदर चला गया अर्जुन, ऐसा जीव जब शीत छोड़ेगा मुक्त हो जाएगा। उसी की ऐशाया हयाते दवा, हयात मैंने जिंदगी, दवा मैंने हमेशा रहने वाली, वो हमेशा रहने वाली जिंदगी प्राप्त करेगा अर्थात मुक्त हो जाएगा। वो बार बार के चक्कर में आएगा नहीं। समझ मेरी होनहार धार्मिक विचारशीला विदुषी बेटी, समझने कोशिश कीजिएगा, बड़ी राज की बातें हैं जो हमें बड़े जन्मों के बाद मालूम हो रही है, कई जन्मों के बाद इतनी चोटी का ज्ञान भगवान जी की अपार कृपा से मुझे और आपको मिल रहा है। विचार करें ये चक्कर कब खत्म होगा? दिन है तो रात भी आएगी, अगर पूर्णिमा है तो आज अमावस्या है ये भी जरूर आएगी, इस तरह संयोग हमारा हुआ है, अब योग भी घंटे बाद जरूर हो जाएगा। अब ये दुनिया का अटल नियम है या दुनिया का स्वभाव है? दुनिया अपने स्वभाव से कायम है, ये समझ लो संसार को, संसार इसको बोलती हमने बिल्कुल कोई नहीं बताता, ना माँ ना बाप ना बहन ना भाई ना स्कूलों में ना कॉलेजों में, कि भाई दुनिया में आयो दुनिया को समझ तो लो। कोई किसी को दोस्त बनाने लगा, उन्होंने कहा भाई तू मेरे से दोस्त बनाता है, हाँ लेकिन एक बात देख मुझे सिनेमा की आदत है, सिनेमा चला करेगा? अच्छा मैं भाई हफ्ते में 3 बार शराब पीता हूँ, शराब पिया करेगा मेरे साथ? अच्छा मैं ना बिना किसी काम के चंडीगढ़ लोफरों की तरह सैर करने जाता हूँ, मेरे साथ चला करेगा? अच्छा मैं ना दिन में 3 डबिया सिगरेट की पीता हूँ, तू पिया करेगा? अच्छा और फजूल खर्च में रज के करता हूँ, और ना मिले तो घर में जब चोरी कर लाता हूँ, प्रबंधिया मेरे पास 4 है। अच्छा लगानी दोस्ती मतलब अपनी जगह में अपनी जगह, इसलिए मैं तुझे कहा था तू मेरे साथ बार बार आता जाता रहता है, पर मुझे जानने में कौन हूं? आपकी कसम दुनिया स्पष्ट बोलती है कि मेरे पर लट्टू होने वालों पहले मुझे समय लोक में हूं। अफसोस कोई नहीं बताता, ना कोई इस बात पर सोचता। मैं कहता तो वो दोस्त चाहे कितनी बुराइयों में था, भगवान बड़े खुश होंगे जिन्होंने अपने आप को प्रकट कर दिया, मैं ये तुझे मेरे साथ दोस्ती लगाता है, मैं ये शाबाश। मैं कहता तो जब इतना अच्छा अपनी बुराइयों को खुद बता देना तो मेरे साथ रहने तो जरा मुश्किल है, ये सब आते लग जाएगी, तू जैसी संगत वैसी रंगत, अगर तूने मेरे साथ लगाना तो मैं ये करता हूं, तो फिर तू भी इस प्रकार करेगा।
कि दुनिया भी बात बात में बताती है, पर पता नहीं क्या हमारी बुद्धि को है या क्या पर्दे परे पड़े हैं, हमें असलियत की समझ नहीं आती। मैं फिर कहना चाहता हूँ हर एक बुजुर्ग को, हर मेरे अपने धार्मिक बेटे को, अपनी बुजुर्ग मैया और अपनी विचारशीला बेटी को, दुनिया द्वंद्वात्मिक है। मानो मैं नहीं बोल रहा, दुनिया खुद बोल रही है, मैं द्वंद्वात्मिक हूं। अगर मेरे में प्रीत लगानी चाहिए, मुझे अपना बनाना चाहिए, तो समझ लो सर्दी आएगी तो गर्मी भी लाऊंगी, आपको सुख दूंगी तो दुख भी दूंगी, रुलाऊंगी पिटाऊंगी भी सही। अगर मैं संयोग कराऊंगी तो वियोग, दुनिया बोलेगी मेरे मुंह से देख लो पुत्र, संयोग कराऊंगी तो वियोग भी जरूर कराऊंगी, अगर आपको मान दूंगी तो कभी अपमान भी जरूर करवाऊंगी, आपको दुनिया से मीठा बनवाऊंगी तो कभी कड़वा भी बनवाऊंगी, कभी प्यार कभी तकरार भी दिलाऊंगी, शाबाश कभी सेहत दिलाऊंगी, कभी हाय हाय करके रोग भी दिलाऊंगी, शाबाश। दुनिया कहती है अभी जिंदगी दिलवाई है तो कभी तुम्हारी मौत भी करवाऊंगी। अब इसको ठीक समझ ले, अगर ऐसे जैसे मैं समझा रहा हूं, एकांत में बैठ के दुनिया को ऐसा समझो कि जो दुनिया पूर्णिमा लाती है वो दुनिया आज देखो अमावस्या भी लाई, गौर काली रात्रि, हाय इतना घटा टोप अंधेरा, कितना चांदनी छटकती है पूर्णिमा को और कितना आज अंधेरा प्रतीत होगा रात्रि को, कमाल है। ये इसे बोलते हैं द्वंद्वात्मिक। ऐसी मत मारी गई है दुनिया वालों की, वो एक चीज देखते हैं, दुनिया में सुख है, दुनिया में पूर्णिमा है, दुनिया में इतना लाभ है, दुनिया में इतनी रंग रलियां है, तो दूसरी साइड नहीं देखते, वो पिक्चर की एक साइड देखती है, अदर साइड मेरे जैसे आप जैसे देखे बिना रहते हैं, कभी शाना वो जो पिक्चर की दोनों साइड देखे, दोनों तरफ देखे ना, आपको सिक्का मिला है सिर्फ ऊपर ला इस तरह देखो उसको उल्टा के दूसरे भी देखो, दूसरे क्या आप सिक्के को सिर्फ ऊपर तरफ देखती है, नीचे भी देखो ना नीचे क्या है। दुनिया वाले हर बात का एक पहलू देखती है, दूसरा पहलू नहीं देखता। हालांकि भगवान ने अगर भगवान का इतराज किया है, भगवान कहते अरे क्या बात है, जहां भी यह आतिश धुआं साथ है के अकामों में अर्जुन जिया साथ है, कोई दृष्टांत क्या कमाल कर दिया प्रभु ने, कोई ऐसी अग्नि है जिसमें धुआं ना हो, ये बात तो है, जहां अग्नि होगी वह धुआं भी होगा। इससे भगवान कहती है दुनिया में ये दोनों चीजें चलेंगी, सुख है दुख भी होगा। अब ये गाड़ी मेरे हमारे सामने जा रही है, बड़ा लाभ है लेकिन क्या नुकसान नहीं होता, गाड़ी डिलेल हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, कई आत्महत्या कर लेती है, नुकसान तो साथ साथ चल रहा है इनका, आए दिन आप सुनते हो दुर्घटना हो गई, किसी ने आत्महत्या कर ली, गाड़ी पटरी से उतर गई, इसके जो है पहिए नीचे उतर गए, पुल में चले गए, अभी चंद्र पहले अपने उधर तीन चार डब्बे पुल के अंदर जितनी सवारी गति सब बन गई खत्म हो गई, और दरिया था इतना बड़ा पुल को तोड़ते हुए दरिया के अंदर, शाबाश। नुकसान भी तो है, अगर फायदा तो नुकसान ही बहुत है, नहीं उसने फाटक बंद किया, ट्रक गुजर रहा था, वो मलिंदा कर दिया ट्रक का, इंजन बैग जा रहा था ट्रक का, मलिंदा ही मलिंदा, और जो सवारियां थी बुरा हाल, बड़ी रफ्तार के साथ ये बैग मार रहा था, लगा रहा था जहां ये है वहां ये भी है, दोनों पहलू। तो जब जगत ऐसा है तो ऐसा समझ लेना चाहिए, ये द्वंद्वात्मिक है। फिर मैं शब्द कहूंगा द्वंद्वात्मिक, मुतजाब से भरा हुआ, पेयर्स ऑफ अपोजिट्स, वर्ल्ड इज नथिंग बट पेयर्स ऑफ अपोजिट्स, मुतजाद, हिंदी में उर्दू शब्द है मुतजाद, बना है जिद से, जिद की जमा है मुतजाद, अर्थात जिद है, सुख है तो दुख को इसके साथ जिद है, कि मैं भी तेरे साथ आऊंगी, दिन है तो रात को इसके साथ जिद है, ये जिद जैसे दो बहने हो जोड़ियां तो जिद होती है, तूने ये सलाया तो मैं भी ये सलाऊंगी, तूने ये सैंडल लिया मैं भी उसकी मां दी थी सैंडल लाना, मतलब ये तेरे बहनों को आपस में जिद, बड़ी कहती है जिद्दा पिट्टी ना तंग कर, क्यों मैं किसी और मां दी थी तू जैसी मां मैं भी लवाऊंगी, तूने ये लाल रबन लिया मैं भी लाल रबन लेके छोड़ा, आपस में बहने बहनों को भाइयों भाइयों को जिद होती है। इसी तरह इस दुनिया में एक को दूसरे के साथ जिद है, जिद लगी पड़ी है, पूर्णिमा आई थी तो ये आवाज दे रही थी अमावस्या मैं भी आऊंगी देखना सही, तू आ तो मैं भी तेरे पीछे पीछे, इस तरह दुनिया को समझ ले, अगर मान मिलता जी तो समझ जाओ अपमान भी मिलेगा, क्योंकि मान को अपमान के साथ जिद है कि तू आया तो मैं भी आऊंगी,
शाबाश, देखो मेरे बच्चे जिद है इनको साथ 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 साथ। जिन दिनों ठंडी हवाओं की जरूरत होगी उन दिनों मई दिनों में तरसना, अब इन दिनों हम जाते नहीं, इतनी बर्फ गिर रही थी, इतनी सर्दी सर्दियों में नहीं थी जितनी इन तीन दिनों में रिकॉर्ड रख गई। ये तीन दिन रिकॉर्ड, इतनी बर्फ पड़ी है अपने शिमला की तरफ और इधर अपने इधर अपने इधर कश्मीर की तरफ, कितनी बर्फ, तोतो के तोते अरबसन के हैरान जाएंगे, गुजरने वाले दब गए। भगवान ने जिंदगी क्या बनाई है पहाड़ियों की, बड़े चैन से रहती है पर दुख भी तो है। आप कहते गर्मी में कितनी मौजा लुटती है और इन दिनों मामर भी नदी, इतने टनों टन तोते गिरे पुत्र और नीचे दब गए, टनों टन पहाड़ गिर पड़ता है बर्फ का। आप गुजर रही है 10-12 गुजर रही है, ऊपर से तोता गिरा सब भरथा हो गया, जैसे आप वेलने के नीचे जी जी काली मिर्चों का भरथा करती है। अब काली मिर्चों के लिए मानो वेलना पहाड़ है, इसलिए इंसानों के लिए बर्फ के तोदे वेलने के लिए पड़ते हैं। मलिदे बस की बस मलिदा, ये दुनिया में दोनों तरफे देखते जाओ पुत्र दोनों तरफे। ऐसा विचार कर लेने वाला, सोच लेने वाला लगाओ अंदाजा दुनिया में दिल लगाएगा, दंदों में मन लगाएगा, लाजमी तौर पर वो मेरी और आपकी तरह भगवान का प्यारा बन जाएगा। उसकी वृत्ति, हमारा तन थोड़ा चीजों के साथ चिपटा हुआ है या लगा पड़ा है, चित्त की वृत्ति फंसी पड़ गई, फिर वो चित्त की वृत्ति महाराज जी के संग लग जाएगी। ये नुक्ता मेरे से पकड़ लो, ये गुरुदेव ने आचार्य ने मुझे बख्शा है, मेरी बिगड़ी बनाई है और यही नुक्ता मैं आपकी झोली में डाल रहा हूं। साधारण शब्दों का प्रयोग करता हुआ सिर्फ अपने चित्त की वृत्ति को मोड़ना है और क्या करना है। कोई नक को बदल देना है या कोई गर्न को बदलना है ना, कोई सिर को नहीं बदलना, कोई और किसी अंग को नहीं बदलना, सिर्फ अंदर की चित्त की वृत्ति को अर्थात एंगल ऑफ विजन को अर्थात दृष्टिकोण को हमने बदल देना है। पहले मेरा दृष्टिकोण संसारिकता है, अब दृष्टिकोण पारमार्थिकता हो जाए। सिर्फ वी हैव टू चेंज एंगल ऑफ विजन, ये दृष्टिकोण यानी नुक्ता निगाह, यहां आकर के हम नुक्ता निगाह को दिन प्रतिदिन बदले जा रहे हैं। कैसे असलियत समझकर के, असलियत क्या कुछ होता है हमारी आंखों के सामने, इसे बोलते हैं द्वंदात्मिक। शब्द लगा रहा हूं द्वंदात्मिक संसार, द्वंदात्मिक लोक। ये लोक क्या है, मृत्यु लोक है, इसका नाम है मृत्यु लोक। कई बार का ऊपर का देव लोक, जितने भी ऊपर के लोक है उनको बोलते हैं देवलोक, क्योंकि देव पुरुष रहते हैं हमारे से सुपीरियर, हमारे से बढ़िया पुरुष रहते हैं देवलोक। ये मेरा और आपका ये मृत्यु लोक और नीचे पाताल लोक, ये तीन लोक तो कोई घुटा लगाने की जरूरत ही नहीं, आपको याद ही है। अब ये जो मृत्यु लोक है इसमें क्या है, द्वंदात्मिक है, द्वंद यथात जुड़ा जुड़ा चलती है, पहले सुख आएगा दुख बाद में आएगा, जुड़ा सुख दुख का द्वंदात्मिक, दो पहले मान होगा फिर अपमान बाद में आएगा, जुड़ा मान अपमान का, इसे बोलते द्वंद मैंने जुड़ा, पहले दिन आएगा फिर रात आएगी, जुड़ा दिन रात का जुड़ा, ये जुड़े साथ साथ चलेंगे, साथ साथ जैसे नर नारी का जुड़ा होता है इस तरह ये सारे जुड़े हैं। पहले गर्मी आएगी फिर ऐसी शीत लहर सर्दी भी आएगी, दांत के दांत बजाएगी, छाती आपकी कांपेगी, ये साथ साथ चलती है। कितने गर्म कपड़े आप पहन के आते हैं और गर्मियों में हाय थोड़ा सा कपड़े भी बर्दाश्त नहीं होते, पसीने से तर बतर होते हैं, ये द्वंद कहते हैं पुत्र। इतने कपड़े पहनने के बाद कंबल लेने के बाद फिर भी शीशी कर रहे हैं और वो प्रकृति होती है, गर्मी में क्या हो जाता है, पतले से कपड़े पहनते हुए भी मन अकुलाता है, दुनिया को समझ ये द्वंद है इनका द्वंद। अब मेरे भगवान क्या पाठ दे रही, भगवान जी मुझे आप क्या समझा रहे हैं, मेरे इन द्वंदों में रहता हुआ जो इतना सहनशील बन चुका है कि द्वंद उस पर असर नहीं डालते, शाबाश 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 अर्जुन वो मुक्त हो जाएगा। ये पाठ जारी है उत्तर जो मैं आपको बता रहा हूं, इन द्वंदों में रहते हुए कमाल है, ऐसे द्वंदात्मिक लोक में रहते हुए फिर द्वंद असर ना करे, अर्थात सर्दी आए असर ना करे, गर्मी आए असर ना करे, अब अर्थात हम घबराए नहीं, मौत आए असर ना करे, जीवन आए असर ना करे, अर्थात आएगी सही प्रभाव ना पड़े, विचार लो पुत्र आएगा प्रभाव ना पड़े, हम उस भुट्टे ना टेक दे मर गए हैं के करिए बहुत दुखी हो गए हैं कहा गई सर्दियों में प्रभाव पड़ गया ना, भुट्टे टेक दिए ना, हार मान ली ना, गर्मी आई कि कितना जाए, इतने फोड़े निकल आए, पित निकल आई है, साइया मोई किसने बढ़ाई है इसको दुनिया, गंदी दुनिया है ये तो, ये
दे रब नु गालियां तो दे मार, एक मां कह रही थी वो लड़का उसके शरीर छोड़ गया था, हे रब्बा अगर तू मैनु कहीं मिल जा तेरी मोदी पट के तेरे हाथ में, भगवान की हम के मोदी लगा के आना पड़ेगा, अब मोदी पट के तेरे हाथ में दे दिया, यानी भगवान की मोदी की घुमाऊं और हाथ में दे दू, भी अगर तूने दिया था तो लिया क्यों, और अगर लिया है तो दिया क्यों, शाबाश शाबाश शाबाश, अगर तो ऐसे वैन मारती है ना भगवान तो कस कस के, ये मूर्ख जिनको पता ही नहीं असलियत का, जिनको समझ ही नहीं है इन चीजों की, दे सुनातियां रज के तो हार गए ना, जो विचारवान होगी या आप जैसी विदुषी होगी ठीक है, जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, सर्दी आ रही ठीक है मेरे बारे में, कैफियत नहीं जानी है, ये सहेजा खुशी से गुफान नहीं है, ये 3.5 दिन सर्दी और पड़नी है इस प्रकार की, फिर फर्क पड़ जाएगा 3.5 दिन आए और चली गई छुट्टी, अब रो रहे पेटे तो कौन से क्या बनना है, उल्टा हार जाएंगे, हार से हार जाने से क्या बनेगा, अच्छा ठीक है दुनिया भगवान की है, मैं और आपको देखी जाओ चलाओ ठीक है, हाँ चलने जब तो चल दिए, चलो तो चलेगी इस तरह तो होगा ही, गर्मी ने भी अपना जोबन मान लिया था, सर्दी भी अपना जोबन मान के जाएगी, आपने भी अपना जोबन मान लिया, हर एक वस्तु अपना जोबन मान के जाती है, तो ये भी अपना जोबन मान के जाएगी, तब तो असर ना होगा, आपने भगवान के भजन में रह गए, हाय यकीन से जो रस्ते हैं सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त है सबसे प्यारी मुझे, वो दुनिया को मकसूद नहीं बनाते, दुनिया बनाने वाले को बना लेते हैं, मार्ग का तेरी प्राप्ति मेरे जीवन का उद्देश्य है, जो होता है जो भी बनता है संसार में बनता रहे मेरी बला से, ये तो कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, जो होता है वो दिल लगाती नहीं इस पर, कि या तो 2 दिन रह के उसके बाद चलेगा, नहीं तो होता ही रहेगा, ये तो बनेगा नहीं, गंदे लड़के लोफर होंगे ही, मेरी गंदी बेटियां गंदगी मचाएंगी, इस तरह ये संसार द्वंद्व में तो रहेगा, ये तो करेगा, इसका स्वभाव बना हुआ है, ये तो ऐसा करेगा, चलो बात खत्म होगी, छुट्टी पर है, जैसे पता है पड़ोसी पड़ोसन गंदी है तो पड़ोसी करेगी, ये तो बकबक करेगी, इसके साथ हमने थोड़ा अपने वो खराब करना, पड़ोसी कई चंद्रे होती है, भगवान किसी को चंद्रा पड़ोसी ना दे तो वो कतल ये बकबक करती रहे, ये तो ऐसा हो, ये तो ऐसे गाली निकालेगी, ये तो ऐसा करेगी, बात बात में लड़ती है, बात बात में ये करती है, बात बात में रस्ते बंद कर देती है, बात बात में रस्ते में क्या करती है, तो वो ऐसा करती है ठीक है ये तो होगा, वो परवाह नहीं करती, इससे किसी के गली गवाद में या कोई दुकानदार ऐसा तो ये करेगा, दुनिया भी ये तो ऐसा करेगी, ऐसा भाव रख ले कि भाई ये तो ऐसा करना है, लाख शिकवे देख के दुनिया वाले चले गए, दुनिया ने टस से मस नहीं, दुनिया वैसी वैसी है जब से भगवान ने दुनिया बनाई वैसी है, मैं बताता नहीं हूं कईयों आत्महत्या दुनिया को देख के कर ली, कईयों का पसंद नहीं आई, पहाड़ से छलांग मार ली, पानी में कूद गए, भगवान मांगते दुनिया को रहने में तैयार नहीं, भड़वे हो तुम हजारों इस तरह कर लो रब दुनिया को फर्क ही नहीं, मैं सच्चाई की बात बता रहा हूं, जो मैंने पढ़ाया कईयों ने पहाड़ की चोटी पे जाके छलांग मारी कि परमात्मा तूने दुनिया में हमें बुलाया है, हमें नहीं पसंद दुनिया, धज्जियां उड़ाएंगे हम तेरे शरीर की, उड़ा पड़ पड़ के हैरान तो रहो, गंगा के किनारे एक टीला बना हुआ खड़े होकर दे छलांगे मारे के मालिक तेरी दुनिया में पसंद नहीं है, गंदी दुनिया तेरी, कभी कुछ कभी कुछ कभी हम नहीं रहना चाहते दुनिया के अंदर, छलांग मार के पता तोलो के तोले, तू पहले चल फिर मैं बारी 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 सलाम सलाम सलाम, मैं कहता हूं हजारों मार लो, भगवान उनका प्रवेश करे जो मर्जी करते रहो, कईयों ने जहर पी पी के अपनी शीरों को खत्म कर दिया, कईयों ने तेज छुरी करके चीने को काट डाला क्रोध में आकर, कहते दुनिया बजाने को तैयार नहीं है, कुछ नहीं है दुनिया, कभी तो मान देता है कभी अपमान देता है कभी तो उत्थान कर देता है, आज हम दाएं दाएं के मुताद हैं, तुझे तस ही नहीं आता, कहीं ने कुछ किया कहीं ने कुछ किया, अगर भगवान की दुनिया तरस से मस ली वैसी, कहीं भूख रख रख के मर गए, क्या भगवान दुनिया बदली, बिल्कुल नहीं बदली, उतर आपको दर्द भरी बातें क्या सुनाओ मेरी बेटी, कहीं बड़े जोशीले होती है जो अकल से काम नहीं लेते, बिल्कुल ही अपने धरिया उड़ाते रहते, तो या दुनिया बदल गई या कुछ हो गया हो, कभी भी नहीं, गांधी जी के पास कुछ बैठी हुई थी ये संसार चर्चा कर रही थी, तो एक दुशीला व्यक्ति था, उसने अगर आपने पढ़ा हो आत्मकथा, तो उसने घटना आई तो वो गांधी जी को बार बार कहने लगा, फिर ऐसी दुनिया राम ने बनाई क्यों, क्यों बनाई भाई, मैं कह रहा हूं गांधी का जवाब दे इसका, भाई तुम्हें क्यों बनाई, फिर मैं कहता हूं क्यों बनाई, भाई मैं कहता हूं गांधी विचार करेंगे, क्या जो चीज खांड की बनी तो मीठी होगी, हाँ
तो जो चीज नमकीन है उसको तो मीठी कर, मैं कहता हूँ ये नमकीन बड़ी क्यों? भाई मैं कहता हूँ भाई बच्ची जी इसका स्वभाव ऐसा, स्वभाव ऐसा क्या स्वभाव है, ये भी क्या स्वभाव हुआ? तो दृष्टान जैसे फलाने देख लो, हम कितनी बार इसे कह चुके हैं तू ऐसा ना बोल, फिर भी बोलता है, बाद में माफी मांग लेता है। तो दुनिया तो ऐसी है, तो दुनिया है, वो तो इंसान है, तो ये दुनिया भगवान ने बनाई है, जिस भगवान के आप भजन करते हैं हरे कृष्ण हरे राम 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 राम, तो उसने गंदी दुनिया बना डाली। गांधी जी उसको नहीं सेटिस्फाई कर सके, सच्चाई की बात बता रहा हूँ, झूठी बातें नहीं बता रहा, सच्चाई की बात कह रहा हूं। बार बार प्रश्न किए गांधी जी, नहीं गांधी क्या सेटिस्फाई करे, उठा और एक बहुत गहरा कुआं था छलांग मार के, गांधी जी पीछे भागते रह गए, बाकी भागते रह गए, राम अंदर कहने लगे आपकी दुनिया मेरे लिए गंदी दुनिया। तो असर हो गया, हजारों पर असर हो जाता है, हजारों पर, हजारों पर जाती आत्महत्या आए दिन होंगे हमारे देश में, इतनी नहीं जितनी के विदेश में, हमारे देश में तो नारियों की संख्या आत्महत्याओं की बढ़ती जा रही है, इसके कई कारण है, कई कारण है, हमारे देश में आत्महत्या है थोड़ी है, बाकी देशों में बाप बाप में आत्महत्या होती है, बाप बाप में, क्योंकि वहां तो हर एक के पास पिस्टल है, वो पिस्टल जब तंग आती है सीधा यूं कर देती, किसी को यूं मारने के लिए यूं मार देती, ठा ठा दो बार करता, अपने आप को पुत्र यूं रखो तो दूसरा मरेगा, यूं करो तो अपने आप मरेगा, घोड़ा दबाना है यूं ना किया यूं कर लिया, शाबाश टाइगर जिंदाबाजी जिस खत्म। तो ऐसी आपको अनेक चीज मिलती है, क्या हो गया? द्वंद्व का असर हो गया, द्वंद्व के जेर हो गए। तो क्या भगवान की दुनिया बदल गई मेरी बेटी? बिल्कुल भी। क्या मेरे बुजुर्ग मेरे विचार शिव भाई दुनिया बदल जाएगी? स्त्री को आत्महत्या कर ले, मार ले, पहाड़ों से मर जाए, जहर पी ले, गंगा जी में छलांगे मार जाए, या अपनी चिता आप बना ले, चिता बड़ी जबरदस्त बना के आग लगा के ऊपर से मारी छलांग, जैसे हमारी जिंदा चिता में जल गई 14,000 रानियां, चित्तौड़ के किले पर जब युद्ध हो रहा था, पतिदेव वहां लड़े गए थे, तो आपको पता है कि ये कुछ हमारे पतिदेव मारे जा रहे हैं, तो ये मुसलमान आएंगे और हमारी इज्जत लूटेंगे, तो पहले ही लकड़ियों का बंडल लगाकर लगाया पड़ा था, ये अगर तो जीत गया तो लकड़ियां हमारे वैसे काम आएंगे, नहीं तो हम फिर सैकड़ों नारियां चिता में फंस गए, सैकड़ों। जब वो मुसलमान आए तो उनको राग की सिवा कुछ नहीं। कितनी कितनी घटनाएं आप पढ़ो, मैं तो इतिहास बहुत पढ़ा करता हूं, पढ़ा करता था पुत्र, ऐसी ऐसी घटना इस दुनिया में हुई है, ऐसी ऐसी दो घटनाएं यहां पर बची हैं, हर एक के अंदर, हर मजहब वालों के अंदर। मुसलमानों की बातें सुनाओ तो आप पंजाब में लेकर के हाय हाय मचाए, आज जिसके लिए हाय हुसैन पिटती है और वो निकालती है अपने, वो कितना बुरा हाल उसका करता था, कितना है छोटे से कमरे के अंदर डाल के आए, पानी पानी करते रह गए, पानी नहीं दिया मार दिया, और घोड़ा वापस आया उस बेचारे का वो बुरा हाल कर डाला, अब कहते हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन, बड़ा बड़ा बुरा हाल। इस तरह प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक की आप कहानियां पढ़ी होंगी आपने, ओए होए होए रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट का आपस में युद्ध लड़ाई होए होए, खूनी मैरी ने कितने मार डाले, उसका नाम ही पड़ गया था ब्लडी मैरी, कितनों को तबाह कर डाला, हर धर्म मजहब के तरह क्या बड़ा क्या पड़ा हुआ क्या पड़ा, इस कट्टर पड़े नहीं या दुनिया की ना समझने से। तो मैं कहता हूं इतना कुछ जुलम हुआ, दुनिया बदली, द्वंद्वात्मक अब भी है, वही है चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है, या तो कोई फर्क पड़ गया हो, इसलिए दनाई इसमें है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा समझ लो, उससे मन लगा लो। जैसे उसने कहा दोस्ती लगा रहे तो मेरे साथ, मेरे शुरू में भाषण ये किया था, तुम दोस्ती लगा रहा है पर मुझे पहले समझ ले मैं हूं क्या, हाँ रब तेरा भला करे हो भाई, तुम मेरे साथ दोस्ती लगा रहा है हाँ पर मुझे समझ ले मैं हूं क्या, कितना अच्छा रहा वो, मैं ये भी करता हूं मैं ये भी करता हूं, काश दुनिया का सरा सरा बोल उठे क्या बुद्धू हो तो मेरे साथ दोस्ती लगाती हो पर मुझे समझ लो मैं हूं क्या, जरा मुझे जान लो तो मैं हूं क्या। द्वंद्वात्मक लोग है सजनों, और मेरी अच्छी बताओ बेटियों गोबर मन रखने वाली हो, अगर इंसान रोता है 8 आने तो नारी रोती है 20 आने, बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूं, नर्क से दुगना नारी रोती है, बड़े बुरी तरह रोती है, बड़ी बुरी तरह, कितनी आप बात बात में रोती है, मेरे ख्याल आपका रोना नरों से बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, और फिर आप है कि फिर दिल लगा बैठती,
फिर आपका मरना जाता है, फिर उसी नाम रूपों पर अपने शरीर पर, फिर दूसरे शरीरों पर, फिर अपने भी से पैदा होने वाले पर आप इतनी लट्टू हो जाती है, तोबा तो मत हो, फिर आप समझती नहीं ये संसार है क्या, द्वंदात्मिक है, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। अब मेरे महाराज जी कह रही है जिसने दुनिया के इस द्वंदात्मिक स्वभाव को समझ लिया, मेरा कहना सफल करो, मेरा सुनाना सफल करो मेरी बेटी, जैसे गुरुदेव जी का सुनाना मैं अपने को अपनी तरफ से पूरा सफल कर रहा हूं, इस तरह अपने भी उपस्थित साधु का समझाना सफल कर लो, वो सफल कर लो कि जब इसका ऐसा स्वभाव है और हमारा साधु कह रहा है कि सैकड़ों बरस कई लोग तंग आके करते रहे पर दुनिया कष्ट से हंस गई, दुनिया का स्वभाव जरा भर नहीं बदला, जब ऐसा है और ये ऐसा रहेगी, हाँ नहीं अपना मन खींच, शाबाश शाबाश, बात तो सारी चित्त की, चित्त वृत्ति की है ना, चित्त का ठंड लग रही है, ठंड वाले जिसम को आ रही है, महसूस करने वाला कौन है मन, आह भाई इसको महसूस करने वाला सारे बदन को ऊपर से नीचे तक हवा चल रही है और हमारे बदन को लग रही है महसूस, फीलिंग चलते माइंड, जो इसको महसूस कर रहा है कौन, हमारा मन, तो घर में सुख होता है ये बधाइयां मधुइयां ये वो, महसूस करने वाला कौन है, मन, जो इसको महसूस करता है वो मन, मन ही है ना, तो मन को क्यों ना ऐसे विचार दे कि महसूस ही ना करे, बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा नुकता महापुरुष ने दिया, को ऐसे विचार दो ना, विचारों की बात है, ऐसे विचार दे कि हम जरा भी ना महसूस करें, ऐसे विचार रखे, एक ने आपको एक बात कही आपको शिकायत की, देखो ना ये ऐसे करती है, अच्छे पुत्र अब मैंने आपको दूसरे विचार दिया, आपका मन पड़ा उस विचारों में, आपका मन फील कर रहा था, अब आपने साधु के पास आए, मैंने आपको दूसरे पॉजिटिव थॉट्स दिए, आप हंस पड़े कि हाँ ये तो है, चल कहता वो विचार, अब नेगेटिव थॉट्स, हियर इज पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव पॉजिटिव, आप किसे बोलते हैं इंग्लिश में अपोजिट करंट, हिंदी बोलेंगे प्रतिपक्ष भावना, प्रतिपक्ष भावना, इसके उल्ट लगाओ ना, इसके उल्ट क्या करें, एक मैं आप समझाता हूं, जैसे कि क्या करें, बड़ी सर्दी है, कंपनी वाली सर्दी है, रात में तरस भी नहीं आता, दंत दंत बज रही है, सारी छड़ी छाती ठंडी हो गई है, कितने कपड़े पाइए सामने मुझे, जैसे रुपए थोड़े का चार 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 स्वेटर पा रहे, कितने पाएंगे, जितनी घर में थी ढाई स्वेटर पहन के तो आई हैं, फिर छोटी सी है दो बड़ी है और मेरे पास, मैं कहां से लूं, रात में तरस भी नहीं आता, कितना जाए, एक तो ये ड्रामा होगा, हम एक ये तरस भी रहे और बातें बना रही है, और दूसरा ठीक है कुछ दिन है चली जाएगी कोई बात नहीं, जब से हम सब लेंगे सर्दी पड़ी और गई और गई, वो क्या हो गया, पड़ी जाए अपना दिन पूरे कर ले, अपना दिन पूरे कर लेता, रब के सामने दो रुपये, एक रब के सामने वो जो शिकवी गिले दे रही है, यू यू की जा रही है, और एक वो करे वो जाना है क्या, सवेरे थी अब दोपहर हो गई शाम हो गई, एक एक दिन करके कटती जा रही है, ठीक है वो भी है दुनिया में, वो भी दुनिया में, दुनिया में वो भी है, दुनिया में वो भी है, एक शिकवों से भरा हुआ है और एक के लहू पर कोई शिकवा नहीं, कट गया दिन कट ही गया ना, वो गुजर ही गया ना, शिकवा गुजर गए गुजरान क्या झोपड़ी क्या मदान, गुजर ही गया ना वो तेरे गुजर, इसी तरह गुजर ही जा रही है, क्या हो गया, लेकिन एक कैसे बता कह रहा है और एक कैसे कह रहे हैं, एक को गाली दी उसने देर जवाब दिया घंटा घंटे से और दूसरे ने को गाली दी, दीदी ऐसा स्वभाव ऐसा है, ये अपनी जबान गंदी करे मैं को गंदी करे, शाबाश, एक पर गाली पर असर क्या हुआ, जब तक उसने 20 गाली नहीं दी चैन नहीं पड़ा, और एक का भी तू अपनी जबान गंदी कर ले, मैं क्या, दो भाई सके लड़ रहे थे, एक भाई रहता था ऊपरली मंजर पर, एक भाई रहता नीचे, छोटा भाई रहता ऊपर नीचे, बड़ा भाई रहता, अब छोटे भाई ने गालियां दी और बड़े भाई की गली की, तेरा छोटा भाई है और तुझे गालियां दे रहा है, तुझे शर्म नहीं आती, तू उसे जवाब देना, घर वाले को पढ़ के बाहर बाहर ले आई, अब बाहर जबरदस्त होगी वो दुबला पतला होगा, घर वाली जरा मोटी मक्कड़ खाई होगी, अब उसे खींच के ले आई, जवाब देने की देख क्या बकबक कर रहा है दीवर, हाँ तुझसे कहा, उसने आके आगे गली में गाली दी, हाँ भाई गलत जा दी, तू जितना मर्जी बोल रहा है और गालियां दे ले, मां बाप तो हमारा एक है, तू दुनिया ने तमाशा दिखा, मैं तमाशा दिखाने से रहा, बेचारा तू तमाशा दिखा ले, दुनिया वाले क्या कहेंगे, फलाने दी औलाद है, तू बदनाम कर मां बाप को, मैं तो नहीं करूंगा, भाई इतना रो पड़ा, नलियां बहाता, अखियां से बहाता, मुंह से लारे निकालता हुआ नीचे आके लिपट गया, मुझे माफ कर दे, मुझे गलती हो गई, तू मां बाप के नाम को बदनाम कर, तू बेवकूफ हो गया, मैं तेरे साथ बेवकूफ नहीं हो सकता, घटता दिन कैसी नहीं जा रही है, जरा समय रख मेरी बेटी हो मेरे बच्चे, एक क्या हाल कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है,
ज्ञानी भुगते हंस के अज्ञानी भुगते रोई। घटना एक ही है, एक कैसा एक पर कैसा असर है और दूसरे पर कैसा असर है। शबा शबा शबा, चलो ले चलूंगा आपको सुदामा के घर में। सुदामा सुदामा वाली वो उस दिन उसने सुनाई, मेरे बच्चे अगर जीवनी आप पढ़े मेरे ख्याल मेरे जैसा भी रो पड़ेगा। किस दिन? जिस दिन के सवेरे भी पूरी रोटी बच्चों को और पंडित जी और पड़तानी को नहीं मिली और शाम को भी बिल्कुल नहीं मिली, शाम तो बिल्कुल खत्म। उस दिन उसने वो रख रख के सुनाई, तुम ब्राह्मण शादियां करते क्यों हो जब तुम बच्चों को पाल नहीं सकते, जब तुम मुझे पाल ही नहीं सकते मुझे लाए क्यों। ये हाथ पकड़ के झकझोरा उस पड़तानी ने पंडित सरस्वामा जी का, ये झकझोरा तुम विप्र हमें काहे को तंग करो, क्यों ला बुला बुला के क्यों लाए, कपड़े मेरे फटे हुए बच्चे के फटे हुए तुम्हारी इज्जत ढापी नहीं जा रही, लीले लगी पड़ी, क्यों लाए आप हमें, रात को सोने नहीं दिया, जब जोर जोर करके बहुत कुछ कहा। उसके बाद प्रभात समय हुआ, पति को देखा चौकड़ी लगी पड़ी है, माला हाथ में है और महाराज जी का जाप हो रहा है। एकदम मैंने इतनी बेइज्जती की, इतनी बेकदरी की, इतनी घुरियां मारी और ये अपने रोज के स्वभाव के अनुसार पुरानी माला पता नहीं किस शताब्दी की माला है और वो लेकर के अपने महाराज जी का नाम ले रही है। सवेरे उठी चरणों में पड़ गई, आप मुझे बताओ तो सही आप किसका नाम जपते हैं, भगवान कृष्ण का वो क्या है। आपने पिछली बात सुनाई, वो मेरे सहपाठी थे, क्लास फेलो थे, हमारे गुरु संदीपनी जी थे, संदीपनी उनके श्री चरणों में बैठ के हम दोनों ने ब्रह्म विद्या और लौकिक विद्या दोनों पढ़े। लौकिक विद्या सेक्रो नॉलेज, ब्रह्म विद्या अर्थात स्पिरिचुअल नॉलेज, ये दोनों हमने उनके पास ली है। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, करते थे। अच्छा अब वो द्वारका के राजा है, महाराजा है, आपके मित्र। हाँ फिर पैर पड़ गए, मैं तो तब जानू जब आप अपने महाराजा के पास जाओ और उन्हें अपने फटे हाल बताओ कि हम क्या फटे हाल में है, तुम महाराजा और हम फटे हाल। जैसे कुछ दिन हुए बच्चों ने ताना मारा कुलदीप को, बच्चों का दिल करता था छोटे बच्चे कि हमें भी यार ले जाए, तो वो नहीं जाते, अंदर खप मचाती है बच्चे, जो हो बच्चे वो चुप कैसे रह सकती है, वो तो विदाउट ब्रेक होती है, जो मुंह में आया किया इस सीट पर उस सीट पर वो भी तंग आता, तो अब उसने उतार दिया होगा तंग आके उतर जाओ। अब उतर गए, अंकल अंकल तू कहा चाचा है, अगर तेरे बच्चे झूठिया उतर सक, बच्चों को पढ़ाया तो उन्हें मां ने पेट से पढ़ के आती है, तू कहा चाचा है अगर बच्चे तेरे झूठिया उतर सक, आहदीप कह रहे पढ़ा जाओ पढ़ सन बैठ जाओ, भी चंगा तू चाचा बने असं झूठिया तरस नहीं आए, तू हमें देता नहीं, अंकल इधर करवा, अंकल ने करवाया कर, क्यों करवाता है अंकल, आदो सर सारे आदो। इसी तरह एक घरवाली कह रही है, वो मैं क्या मानू, वो तेरा महाराजा तेरा क्लास फेलो है, असं रोटियां तरसी, वो कला है महाराजा आप तरसे रोटियों को और अपने कपड़ों को, दर्द भरी शब्द है, एक बार चुप जाती है, वो तू कहना चाचो है जब बच्चे तेरे भतीजे तेरे झूठे उतर सर बस तू बसा चलाई फिर रहा, हमें भी झूठे ले लेते हो, शाबाश वो कहना तेरा महाराजा बना हुआ दोस्त है, जब उसके दोस्त झूठे बच्चे तरसे मना ले, जैसे वो नागनी नाग जगा लिया, सुदामा की घरवाली ने सुदामा को तैयार कर लिया, हो गया तैयार कि मैं चलता हूं, अब चलती बार भी दोस्त को दूंगा क्या, और अब जानती है टूटे चावल वो भी किसी प्रोफेसर से मांग के लाई है, टूटे चावल टूटे कणी कणी घर उतर वो मांग के लाई, आह तो गंदे कपड़े के अंदर लीर भी जो 36 दिन हो गए वो धोई हुई, उसके सिरे में बांध बूंद करके तंदुर बोलते बच्चे तंदुल, टूटे फूटे चावलों की कणी को बोलते तंदुल, ले लिए अब ले लिए वो हाल, उसने क्या किया और खुद कैसी हुई, आह सुदामा से पूछा किसी ने बड़ी चीजनी में घटना आती है, सुदामा जी आपकी घर में सुना बहुत सख्त है, हाँ तो आप पे असर क्यों नहीं होता, तो कहते अच्छा कल बताऊंगा, सुदामा भगवान आपका बहुत फल करे, बहुत
इस घटना का मेरे पर बड़ा बड़ा अच्छा असर हुआ। कल बताऊंगा, ध्यान सुनो, सारे सारा ध्यान सुनो। मैंने हमने सुना है स्वामी जी आपकी घरवाली बड़ी ही करकरा है, कर्कश बोलती मुझे, बड़ी कठोर, कर्कश कर्कशा स्त्रीलिंग हो गया, इंसानों तो कर्कश, नारियों तो कर्कशा, ये बड़ी कर्कशा है, ये बड़ी करारी है। हाँ सही, फिर आप बर्दाश्त कैसे करती है? कल बताऊंगा। शाबाश, कल को जब आए स्वामी जी, अब मैं आपकी इंतजार कर रही हूँ। हाँ भाई, प्रश्न कर दोबारा। वो प्रश्न किया, जेब से निकाली छलनी, हाथ पे रख दी छाननी, छोटी छानी जैसे काम चार पुण्य वाली होती है या कोई और चीज छानने वाली होती है, छानी हाथ पे रख दी। सवाल गंधर्व जवाब चीना, सवाल गंधर्व और जवाब चीना, ये कुछ कह रहा हूं, हाथ पे छानी लगती है, मेरे को दूध पुण्य है, तो मैंने क्या पुण्य है? मैं जवाब दे रहा हूं, जवाब आखिर कपड़ा लिखा था, होता ना था, भले ही रहता था गरीबों की तरह और मजदूरों की तरह, लेकिन गोदड़ी में लाल है सदामा, गोदड़ी में लाल, ये क्या मतलब? नहीं समझे आप, मैं तो वैसे इंग्लिश का मुझे बताइए, इस पर आप जितना मर्जी पानी डालें क्या टिकेगा? नहीं, इसी तरह मैंने मन में वैराग धारण किया हुआ, कोई कुछ भी कह रहे मेरे मन में टिकता ही नहीं, वैराग है मेरे मन के अंदर, वैराग के छेद पड़े पड़े हैं, वो कहती जाती है जैसे छलनी पर पानी डालते जाओ नीचे गिरता जाएगा व्यक्तिया, वो छलनी रखी कुछ नहीं सब गिरता जाएगा, इसी तरह वैराग्यों को जो मर्जी कहते जाओ वो निकलता जाता है। बाप लिपट गया सुदामा के, सुदामा ये राज की बात मैंने आज जान ली। आम लोग होती है थाल की तरह, एक बूंद भी पड़े ऊपर ऊपर रह जाती है, भेड़िए तूने मुझे क्यों क्या तेरे में कोई खाना ही ना, क्या क्या चीजियां हटके और उंगलियां हटके, रखा बिच उंगलियां, ये नक्का बिच उंगलियां दे दे के बोलते हो, तेरे मुझे क्यों कहा, तुम कहने वाले मुझे कौन होते हो, कैसी आवाज बिगड़ती और कैसे गला निकलता है, तो क्या आम आदमी थाल है, रब दे प्यारे छाननी होती है, जो कहीं जाओ कोई नहीं। अच्छा छाननी, शाबाश शाबाश शाबाश, छेद के अंदर वैराग के कही जाओ, ये है परमात्मा के प्यारे, सर्दी आई तो न टिकी छाननी जो हुए, क्योंकि उनका उद्देश्य भगवान की तरफ बना हुआ है, संसार जो भी कुछ होगा छाननी जो हुए, वो तो छाननी, छज तो छाने, पर छाननी क्या छाने जिसमें हो नौ तो छेद, उसमें तो पहले छेद है वैराग के, तो चलता रहेगा, ये तो होता रहेगा। कितनी बढ़िया विचार है भगवान जी के, भगवान कहते वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं, भगवान करे मैं और आप इसी स्वरूप के अंदर आ जाए, श्लोक जी चले मेरे बेटे, वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं, खुशी से जो खुश हो न गम से हजीन, खुशी भी आए तो ही बर्दाश्त कर लो, खुशी के अवसर आते हैं घर के अंदर बर्दाश्त करो, क्योंकि खुशी के पीछे गम आने वाला है, खुशी के पीछे गम आने वाला है, अगर देवर आया जे तो सहन करो जरा ध्यान से, क्योंकि देवर के पीछे कर्कशा देवरानी भी आने वाली है, तो अगे अगे देवरानी अटैची लेके पीछे पीछे, और देवरानी दे चंचल बच्चे और पीछे आ रहे हैं जो घर में कुरहान मचा देंगे, इस तरह सुख पहले आता है देवर की तरह और दुख देने वाली देवरानी और पीछे बच्चे पीछे पीछे, इसलिए भगवान कहते सुख आने पर गंभीर हो जाओ, चूंकि दुख काले मुंह वाला पीछे आ रहा, मान मिलने पर सीरियस हो जाओ, चूंकि काले मुंह वाला अपमान पीछे पीछे आ रहा, हाय चांदनी रात में लाभ उठा लो लेकिन गंभीर हो जाओ कि अमावस्या भी पीछे आने वाली है, वो पीछे पीछे आ रही है, अंग्रेज बोलती है ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, हाय ओ विंड ए हवा अगर तू खिजान लाई है, ओ विंड इफ विंटर कम्स जैसे आजकल है, ओ हवा अगर तू खिजान लाई है तो क्या बसंत बहुत दूर है, अर्थात बसंत भी आने वाली है, लाइन याद कर पड़े लिखो, ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, फॉर एफ आर बिहाइंड मेरे बहुत पीछे, ऐ हवाओ अगर तुम पत्थर लाई हो तो क्या बसंत बहुत दूर है, अर्थात वो भी आने वाली है। मैं उस की बात है मेरे पुत्र, भगवान करे मैं आपके मन में जिगर में बिठा जाओ, आपके मन में ये स्थान दी जा, ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड,
इस तरह की चीजें जब भी आए अपने मन को समझा ले, अपने मन में रख ले, तब हम जिंदगी के चार दिन आराम से पढ़ाई तो इस तरह होनी चाहिए थी। हमारी बदकिस्मती भारत के अंदर जन्म लेती हुई हमें ऐसी ब्रह्म विद्या नहीं दी जाती, न स्कूलों में न कॉलेजों में कहीं भी नहीं, और चार रुपए कमाने वाली पढ़ाई पढ़ाई जाती जिससे हम 200-400 रुपए कमा लेंगे और अपने तन में मलमूत्र भर लेंगे, बस कितनी पढ़ाई। ताकि कैसी दुनिया में दिन काटती कुछ इसी या ऐसे मौके पर, वो नहीं एक फैशन करने वाली और ये वो करने वाली, बस ये आ जाएगी बन ठन के अपना यूं यूं बन ठन के चले, ये इससे क्या होगा। इससे तो वो हो गया जैसे पेंट हमने कर लिया किसी लकड़ी को, अंदर उसके दीमक लगा पड़ा। पेंट तो है लकड़ी को, अंदर दीमक। हा इसी तरह हम बन ठन के कर लेती हैं, मेकअप कर लेती हैं, और अंदर दुख का दीमक, चिंता का दीमक। मेरा मन बड़ा चिल्ला उठता है, ये क्या हो गया, वैसे तो आपने मेकअप कर रखी है और वैसे आंसू में आ रहे हो, मैंने बड़ा दुख है, हेप को तो मैंने पकड़ लिया था। व्यक्ति जरा मेरी बात सुन, हाँ ये तो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, इतनी मेकअप कर रखी है और तू रो रही है, इतना काम लग गया है तो फिर मेकअप क्यों की। फिर उस हंस भी पड़ी तत्काल हंसा, इधर आंसू अभी सूखे ही नहीं है और हंसी पहले ये तो मेरी मूर्खानी। जब तुझे घम लगा पड़ा तुझे मेकअप करने का मतलब, तुझे मेकअप अच्छी लगती है, क्या करिए इधर गम है इधर दुख है। इसका बोलते हैं गिदड़ गिदड़ी का ब्याह, इधर बरसात हो रही हो इधर सूरज निकल रहा हो, तब कहते हैं गिदड़ गिदड़ी का ब्याह होगा। आज पराया ओम देखोगे रोज गिदड़ गिदड़ी का ब्याह होता है, इधर रोती है इधर हंसती है, मन में गम है दर्द लिए फिरती है, अंदर चिंता लगी पड़ी है अर्थात लकड़ी के ऊपर पेंट हुआ पड़ा है और अंदर दीमक खाई है। उतर आओ हम अंदर बाहर से एक जैसे हो गए भगवान, किस फरमान को लेकर वो ईसा असर जिस पे इनका नहीं। मैं इस तरह विचार किया करता हूं जैसे आपको भाषण दे रहा हूं, इस तरह विचार करता हूं, अपने मन को समझाता रहता हूं। खुशी से जो खुश हो न गम से हजीम, सुन अर्जुन है कायम दिल उसका मदा, अर्जुन उस मेरे प्यारे का दिल टिका हुआ, उस मेरे अजीज का दिल अर्जुन टिक गया है, और टिका हुआ मन ये कुछ होता रहेगा उसका मन ही घबराता, कायम को तो ठहर गया है मन, या भगवान के शब्दों में हम कहेंगे कायम अकल, स्थिर प्रज्ञ स्टेडफास्ट, वो स्टेडफास्ट है वो स्थिर प्रज्ञ है वो कायम अकल है, वो टिके हुए मन वाला है, वो टिके हुए मन वाली है। आती है घटना लेकिन उसका असर नहीं डालती, आती तो है पर उसका प्रभाव नहीं डालती, आह करती तो है। जैसे हनुमान जी कहते एक नजारा और दिखाऊ, भगवान राम जी की आज्ञा लेकर सीता जी को देखने के लिए सिया कहां है लंका में पहुंच गए, जगह जगह ढूंढा अशोक वाटिका में पहुंच गए, वहां पता लग गया वो बैठी हुई थी बहुत गम में मुबतला, ऊपर से मुंदरी गिराई पहचान लिया तो रामनाथ की मुंदरी, कौन जा कौन, तो प्रकट हो गया माँ मैं उनका बच्चा आपकी सुधगुण लेने के लिए आया था। अच्छा बस माँ मुझे पता लग गया आप कहाँ हो, अब देखना क्या पुत्र क्या करोगे, ये तो सालम एक से एक बढ़ गया राक्षस है और वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा में रहने वाले, ये मर्यादा से बाहर तो बाहर बनेगी कैसे, मुझे ले कैसे जाओगे माँ मैं अकेले का भी, तू क्या पिंदी और क्या पिंदी का शोरबा छोटे से तेरा माँ ऐसा राजा भगवान राम की मेरे पर बड़ी कृपा है, कैसे विशाल रूप धारण कर लिया और वो हैरान ले माँ मैं अकेले का भी इन सारों को हड़प करके निकार मारूंगा। तब माने का पुत्र तू एक ही, उस वक्त आपने विराट रूप दिखाया था, विराट तुम नहीं कह सकता विशाल रूप, विराट भगवान का रूप है क्षमा करना विशाल, इतनी भुजाओ इतना जिसम इतना लंबा चौड़ा, तो मां जरा मैं आपको चीन के मालिश कर रहा हूं कि उस वक्त जगह तह नेश की हाँ कुछ कर तय नेश करके और जो फिर पकड़ के जो आए वृक्ष को यूं पकड़ता जैसे मूली गाजर कोई हो, ये तोड़ के हाथ में लेकर देख धड़ाम वो मारे गए, कई राक्षस मारे गए हाहाकार करते हुए भागे। फिर बाद में जनेऊ लेके जहां हिंदुओं की कमजोरी होती है धर्म का धागा पकड़ लिया, वो पकड़ में आ गए, उन्होंने पूछ लगा उसको आग लगा दी उसकी पूछ रही थी, उनका मजा बढ़ गया, देख छलांगे मार के सारी लंका को सार के रख दिया। तब सीता को पता लगा न छोटे छोटे जानो हम सरदार बनेंगे, करके भस्म लंका को खबरदार बनेंगे। तब सीता जी को यकीन हो गया, वो वापस पहुंचे गए महाराज चरण में नमस्कार किया, दूर से अभी आए हैं प्रणाम करते हुए,
उन दिनों रिवाज था कि बच्चे अपने गुरु को, अपने माँ बाप को और अपने देवताओं को दूर से प्रणाम करते रहते थे। जैसे कोई राम मुझे देखे तो शिष्य भावना से झुकता है, झुकता है, झुकता है। इस तरह हनुमान जी महाराज जी बैठू थे टीले पर, दृष्ट के टीले पर, तो झुकते से झुकाते आते थे, प्रणाम दंडा प्रणाम करते आते। तो जब नजदीक पहुंचे हनु, राम जी हनुमान को बोलते थे पुत्र जैसे आपने अपने घर में कई नाम रखे हुए हैं, अपने बच्चों के नाम असल कुछ होता है और बात क्या रखी करते हो, क्या निक्की और जो है काकू, काकू बच्चों के नाम है काकू, और तेरे को तेरे नाम अपने गुगू, तो नाम असल कुछ और। तो हनु जी हाँ हनु सुती है सीए की सती माही, क्या तुझे सीता जी के पता लगा? हाँ तो बसे वहां लंक कुलंक के, बसे कुलंक लंक की छाई, जो कुलंक है अर्थात गंदा रावण है उसकी छा में रहती है, जीवती है। अरे जीवती है कहीं भाई को नाथ प्रभु ऐसा प्रश्न तो कर रही है, अभी वही खड़ा है क्योंकि भगवान ने हैरान कर दिया। अरे जीवती है, मैं पूछो हनु जीवती है कहीं भाई को नाथ, जरा बोली देखो कहीं भाई को ऐसा क्यों प्रश्न करते हैं प्रभु? अरे वो क्यों ना मारी हमते भी छुड़ाई, क्यों ना मारी हमते भी छुड़ाई, मेरे से बिछड़ के वो मर क्यों ना गई? वो कहती थी मैं आपसे क्षण भर भी अलग नहीं रह सकती, क्यों ना मारी हमते भी छुड़ाई? जवाब दो आगे से, प्रभो प्रभो सत्य कहते हैं प्राण बसे तब पंकज में, उसकी मृत्यु आपके चरणों में लगी पड़ी है, यम आवत है पर तावत न, आता तो है यम लेकिन पाया कैसे जब वृत्ति आपने लगी पड़ी है। अरे जीवती है कहीं भाई को नाथ, प्राण बसे तब पंकज में, यम आवत है पर भावत न, काल आता तो है फिर काल आपको छूट सकता, क्योंकि उसकी वृत्ति आप में लगी पड़ी है, उस वक्त वो आपके रूप में है तो यम डर के भाग जाता है। सजनो बचियो जरा ध्यान दो, जरा दृष्टि देखो, प्राण बसे तब पंकज में, पंकज चरण कमल, तुम्हारे चरण कमलों में प्रभु उसके प्राण बसे हुए, यम आवत है पर पावत न, आता तो है जान लेने लेकिन तक नहीं कर सकता, संपर्क नहीं करता, क्योंकि भगवान को काल जिस पर, भगवान तो अकाल है, भगवान पुत्र अकाल जिसको काल भी स्पर्श न करे, तो भगवान खुश हो गए आया दिखता बाद में बातें बताई। इसी तरह नेक पुरुषों की, विचारवानों की, मेरी जो अच्छी बेटियां हैं विचारवती है, वैरागन है, सर्दी आवत है गर्मी आवत है मान अपमान आवत है पर पावत न, वो इंसान असल जिस पे इनका नहीं, जो खुशी से जो खुश हो ना गम से अधीन, सनर्जय में कायम दिन उसका मना, भगवान खुश हो गए कि बिल्कुल ठीक है उसका मन मेरे में लगा हुआ है इसलिए वो जीवत है वरना मृत हो जाती। तो हम कहेंगे ये बात क्या है? वैसे कभी भी आप लोगों को देखकर या भगवान के कारण को देखकर मुंह में उंगलियां डाल लेते हैं, है निराली चाल है इनकी जमाने से निराले है, जरा शेर देखिए क्या बोलता है वो, अरे निराली चाल है इनकी, सर्दी आती है गर्मी आती है और बाकी घर में कोई मर भी गया है मौत भी हो गई है लेकिन इनकी रहनी सहनी और व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो बेचारे घर से बाहर निकलते छह बार चाय पी चुके हैं सत्तवीं बार ऊपर रखी हुई है, वो आपको देखते कि है अड्डे भरे जंगल बैठी यहां आपको सटियां भी बनी हुई, कोई आके आकर देखकर बुरा ना मनाना, कोई यूं देख के क्यों कह रहे मैं देख रही थी लोहे की बनी हुई सटियां भी बनी है क्या, जैसे हलवाई की दुकान के ऊपर कोई पेंडू आया उसने काना लिया, काना लेके उसकी अखा लगा मैं अखियां है तो है भर गया अखियां नहीं मेरी, अगर अखियां तो मिठाइयां खा डे मैं समझा मैं सब रख होया तो मैं आजमान लगता भी बाकी तेरी अखियां है तो इंडिया मजेदार मिठाइयां पइया सौ रहा कहा जा मेरा मन तरफ रहा रुपए मेरे पल्ले नहीं है तो मैं तू बना वो तो सुझाकर सारी मिठाइयां खा जाए ऐसे थाल ले रखे पैनी किसको वास्ते रखे हमें तरसाने के लिए रखे तू वरना नहीं खा जा हाय वो कहती है रुपा मेरे ये अगर हार्ड मार्क चांदियां हैं तो जिंदा ही बैठे और सत्संग भी सुन रही है ये बात क्या है ये सटीन की है क्या ये बात क्या है इन पर असर क्यों नहीं होता सर्दी का गर्मी का कोई मर गया इनका इनकी पति मर गए इनके बेटे मर गए इनका फलाना मर गया इनकी सगी धीमियां मर गई
लेकिन ये चल रहा है चक्कर, तो कभी कहता है अरे निराली चल है इनकी, जमाने से निराली है, ये आशर कौन सी बस्ती के यार रब रहनीर वाली हो, वो रबाई इनकी बस्ती कौन सी है, किस नगरी में रहती है, किस कॉलोनी में रहती है, ये कौन सी कॉलोनी है जिन पर इनका असर ही नहीं होता, निराली चाल है इनकी, जमाने से निराले हैं, ये आशर कौन सी बस्ती के या रब रखनी वाली। प्रेम नगरिया के पुत्र, विवेक नगरिया, प्रेम नगरिया और गीता नगरिया के रहने वाले हैं।